बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई बोल नहीं रहे, जोर से बोलो हरे राम राम राम। और एक बार आप लोग बोलो, मैं सुनूंगा जोर से। और एक बार जोर से, बच्चे कोई बोल नहीं रहे। बोले गिरिराज महाराज की जय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री पुतना कैसे ब्रज में आ गई और भगवान कृष्ण ने पुतना को उन्होंने मुक्ति प्रदान की है, भक्ति प्रदान की है। जब पुतना आ गई, नंद बाबा के जो पता चला ये पुतना आई थी, बोले देखो सावधान, अंदर में जैसे तैसे व्यक्तियों को अंदर में घुसने मत दिया करना। अगर कोई आए तो हमें पूछ करके तब अंदर में घुसने आने देना। इतने में श्री भोले बाबा आ गए, अलग निरंजन और अलग निरंजन करते करते, क्योंकि शंकर जी ने देखा ठाकुर जी के, हमने सारे लीला तो हमने देखा है, लेकिन ठाकुर जी का जो बाल्य चरित्र है, बाल्य लीलाओं को मैंने दर्शन नहीं की। जब शंकर जी आए, आप लोगों को पता है शंकर जी का श्रृंगार क्या है, सारा शरीर में शंकर जी सांप से ही श्रृंगार किए होते रहते हैं। बोले ये सांप को क्यों धारण करते हैं? कभी पता है ये कोई साधारण सर्प नहीं, कभी ये भगवान श्री अनंत देव है। ये अनंत देव कौन है? बोले ठाकुर जी की शंकर जी के गुरु श्री अनंत देव। इसलिए शंकर जी सबको शिक्षा देते हैं, अगर शरीर में कोई अलंकार को धारण करना तो भैया सोने चांदी के अलंकार मत पहना करो, देखना मरने से पहले सब निकाल कर ले जाएंगे, सब कोई साथ में जाने नहीं देंगे हैं। इधर तो रोएंगे मैया चली गई मैया चली गई, लेकिन उधर बेटे को बोले, बोले देखो माँ की नाक में सोने की बेसर निकाल ले, इसको भी तुम्हारे साथ में जाने नहीं देंगे, फिर साथ में क्या चलेगा। जीवन में जितने गुरु जी की उपदेश को हमने जीवन में धारण किया है, ये गुरु जी की उपदेश ही हमारे साथ में जाएगी और यही हमारी काम में आने वाली है। इसलिए शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? कोई क्रीम लगाते हैं? क्या लगाते हैं बोलो? बभूति लगाते हैं। बोले कहाँ के बभूति? अच्छी बभूति नहीं लगाते हैं, शमशान की है। बोले क्यों? शमशान की बभूति क्यों लगाते हैं? शंकर जी जगत गुरु है, इसलिए गुरु होने का नाते ये सब जीव को दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं। कहते क्या ज्ञान प्रदान करते हैं शंकर जी? कहते देखो जिस शरीर को इतने क्रीम लगाते हो, शरीर को इतने बढ़िया रोज रोज शैंपू से शरीर को धोते हो, इसकी गति क्या है? एक मुट्ठी राख और कुछ नहीं। इसलिए शंकर जी गले में हड्डी की माला। बोले क्यों? बोले शरीर का परिणाम दो टुकड़े हड्डी और कुछ नहीं। इसलिए भैया प्रेम करना तो ज्यादा ये शरीर की चक्कर में मत पड़ा करो, प्रेम करना तो कान्हा को प्रेम करो, ठाकुर कृष्ण को बांके बिहारी को प्रेम करो। इसलिए शंकर जी ये शिक्षा देते हैं जीवों को। इसलिए शंकर जी के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ता है? कोई जुई बेली चमेली बढ़िया फूल कोई नहीं चढ़ाता। जो जंगल में अपने आप होता ना धधुरे और आतंक का फूल, जो जहरीले फूल चढ़ता है। बोले क्यों?
कारण क्या है, शंकर जी परम वैष्णव है, इसलिए दुनिया को शिक्षा देते हैं। देखो जितने बढ़िया से बढ़िया फूल है ना, ये तो मेरी बांके बिहारी प्रभु राम की सेवा के लिए ये सारे फूल है। जंगल में जो इधर उधर का फूल तो इसको मैं धारण कर लूंगा, लेकिन जो बढ़िया से बढ़िया फूल किसको सेवा में लगेगा, बोले श्री ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया फूल ठाकुर जी को सेवा में लगे। बोले श्री बांके बिहारी की, हाँ एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, इधर आ जाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलो, हाथ उठा करके बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये केले भी खोल कर रख देना, आपको तो सब भूख लगनी चाहिए। राम 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 हरे हरे। जब शंकर जी आए, इतने में वहां पर एक माता जी थी कोई गोपी, इतने में शंकर जी बोले, मैंने सुना नंद के घर में के लाला भयो है। गोपी बोली, लाला भयो तो तेरे का भयो है। बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आ गई थी और ऐसे ठन बन करके आई थी, ऐसे लग रहा था जैसे मानो ठाकुर जी गोकुल में जन्म लिया तो माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके आ गई। लेकिन वो निकली तो निकली क्या, राक्षस निकली, लेकिन तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख करके मेरा ही जी घबरा रहा है, इसलिए मेरे लाला को तो जल्दी जल्दी नजर लग जाती है। इतने में मैया जसोदा को जा करके बोली, बोले कहीं से के बाबा आया है। इतने में मैया जसोदा आ गई, बोले क्या बाबा क्या बात है, बोले मैया थोड़ा लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो। बोले बाबा लाला को दर्शन नहीं होगा, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात लेना, लो अपना रास्ता देखो, मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। शंकर तो वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए, बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे तब तक यहाँ से हटने वाला मैं नहीं हूँ। वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके शंकर जी बैठी गई। मैया बोली, अगर यहाँ बैठना तो बैठ जा, मेरे चार दरवाजा है। कितना दरवाजा है, जोर से बोला, बोले अगर इधर बैठ जाओगे ना दूसरे तरह से निकाल दूंगा। शंकर जी बोले, मैं चार रूप लेकर बैठ जाऊंगा। बोले मेरे 11 दरवाजा है। शंकर जी बोले, मेरे 11 भी रूप है, कहते एकादश रुद्र है, 11 रुद्र है। बोले कभी तो बच्चा जो बड़ा होगा निकालोगे, फिर तो लाला को मैं जरूर दर्शन करूंगा। इतने में मैया ने लाला को लेकर के अंदर में छुपा दी। शंकर जी वहीं पर बैठ करके भगवान को ध्यान करने लगे। बोले ठाकुर जी, आपके सारे लीला को हमने दर्शन किए है, लेकिन ये बाल्य लीला को मैंने दर्शन नहीं की, एक बार हमें दर्शन दे दो। इतने में शंकर जी डंबर बजाना शुरू कर दी। और ये डंबर जब कृष्ण की कान में पड़े, इतने में तो कृष्ण जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। मैया जितने थपथप लगा करके उसको रोना को बंद करना चाहे, लाला उतना जोर से रोई, पूरा परिवार तंग हो गई। बोले आज लाला को रोना क्यों बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी बोली, बोले मैया वो जो बाबा आया ना, वो आंख बंद करके बैठा हुआ, लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है। कहते लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो नहीं जाऊंगा। इतने में मैया जसोदा लाला को काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, यहाँ पर काजल का बूंद लगा दी जैसे लाला को नजर नहीं लग जाए। बड़ी कठिनी से उसने लाला को लाए। बोले बाबा तू बड़े अखड़ है, दर्शन कर। एक बार केवल उन्होंने एक झलक कृष्ण को दर्शन कराया। इतने में तो शंकर जी रोने लग गए और कान्हा तो हा हा करके बड़ी जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई बाबा कुछ जानता है, क्योंकि अपना हंसना दे करके अपना रोना ठाकुर जी को ले लिया। अगर माताओं को पता चली बाबा कुछ जानता है, हाथ देखना जादू टोना ना, माताएं घिर जाती। बोले बाबा मेरे तो हाथ देखे, हमारी क्या भविष्य है। ओ शंकर जी को घेर गए। बोले बाबा कोई जादू टोना आता है। बोले हाँ बढ़िया जादू टोना आता है। बोले हमारे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती, कुछ जानते हो। बोले एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा, सब ध्यान देकर सुनो माताएं, इसमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
बोले एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा, बोले बोल दे, बोले जब तुम लाला को स्नान कराओगे वो स्नान का जो पानी है, ठाकुर को स्नान कराओ तो उसको चरणामृत कहते हैं। और गंगा कहाँ से निकली है? भगवान की चरण से निकली है। देना कावड़े लोग गंगा पानी लेकर जाते हैं ना कितने दूर से, क्यों? शंकर जी के सर पर डालेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि गंगा जो ठाकुर की चरणामृत है, इसलिए शंकर जी की जटा में कौन है? बोले गंगा देवी की। इसलिए बोले तुम्हारी लाला को जब स्नान कराओगे वो स्नान पानी मेरे सर पर ला करके डाल देना। बोले बाबा सो कर लूंगा। बोले और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे तो कभी नजर ही नहीं लगेगा। बोले क्या करना पड़ेगा बोलो? जब लाला को जब तुम भोजन कराओगे वो प्लेट में जो बच जाएगा ना उसको ला करके मेरे को दे देना। बोले बाबा सो कर लूंगा। देखो इधर सुना, जब कोई चीज ठाकुर कृष्ण को भोग लगे, राम का भोग लगे, वो हो जाता है प्रसाद। लेकिन वही प्रसाद जब कोई भगवान की भक्तों को भोग लग जाए ना, फिर वो प्रसाद नहीं रहता है, वो महा महा प्रसाद हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो महा महा प्रसाद हो जाता है। शंकर जी कौन है? शंकर जी बोले वैष्णवानाम यथा संभोग, भगवान के सबसे प्यारे भगत श्री भोले बाबा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में कौन ऐसे राम की भक्त हो सकता है? हनुमान जी कौन है? बोलो हनुमान जी कौन है? शंकर जी है ना, शंकर ही हनुमान बन करके आए। जब शंकर जी कैलाश में तैयारी हो रहे थे प्रभु राम सेवा में आने के लिए, बोले क्यों? बोले देखा ये जो रुद्र शरीर से प्रभु की मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कहते रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर ही हनुमान बन करके आए प्रभु की सेवकाई करने के लिए। जब शंकर जी हनुमान बन करके आना चाह रहे थे, आप देखना जब कोई पुरुष कहीं जाए ना पहले स्त्रियां तैयारी होती है जाने के लिए, बोले मेरे को भी साथ में ले चलो, कहीं मेला जाओगे कभी शादी में जाओगे, पहले पत्नियां तैयारी बैठती है, पहले पूछ लेती है कहाँ जाओगे। अभी जब हनुमान जी आ रहे थे माता पार्वती तैयारी में, बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु राम की सेवा करने के लिए। बोले मैं भी चलूंगी। बोले नहीं, इसी लीला में तुम्हारी कोई काम नहीं। बोले क्यों? बोले इसी अवतार में मैं स्वयं ब्रह्मचारी बनकर भी जाऊंगा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हो, शादी नहीं किए। बोले ब्रह्मचारियों से स्त्रियों का क्या मतलब है? अभी अभी तुम्हारी कोई काम नहीं। बोले नहीं मैं तो जाऊंगी एकदम नाथड़ा बंदा होगी। बोले मेरे को ले चलो। बोले तू कैसे जाओगे? बोले मैं आपकी पूछ में बैठ जाऊंगी, मैं आपकी पूछ में बैठ जाऊंगी। इसलिए जब लंका में हनुमान जी गए, रावण कहाँ आग लगाई? हनुमान की कहां पर आग लगाई थी? पूछ में। पूछ में कौन बैठी है? माँ पार्वती बैठी। अगर माँ पार्वती में अगर कोई आग लगाई कर क्या हुआ? पूरा लंका जला दिया, पूरा लंका। उसने हनुमान जी बोले पार्वती में आग लगाई है, पूरा लंका को उसने जला दी। इसलिए हर अवतार में शंकर जी किसी ना किसी रूप में जरूर ठाकुर को सेवकाई करने आते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान बन करके आए। कृष्णा अवतार में कल सुनेंगे शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए, कल सुनेंगे शंकर जी रास में कैसे शंकर जी गोपी बन करके प्रभु की सेवकाई करने के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले भोग भगवान कृष्ण को हो, राम को हो भोग लगाओ, ठीक है ना? जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, लड्डू लेकर के हनुमान को भोग लगाते हैं, नहीं तो मुंह में ठोसते खा। क्या हनुमान तुम्हारी भूखे हैं तुम्हारे लड्डू खाने के लिए बैठे हुए? एक मण क्या 100 मण भी लड्डू अगर हनुमान को भोग लगाओगे ना वो खाने वाले नहीं। कब खाएंगे हनुमान जी? जब राम दरबार लगता है। हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? अरे बोलो कहाँ बैठते हैं? राम की चरण में। जब तक प्रभु राम की कोई चीज भोग नहीं लगता है, माँ सीता को कोई चीज भोग लगती है नहीं लिया, कभी भी हनुमान जी उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर हनुमान को कुछ खिलाना तो पहले प्रभु राम को भोग लगाओ, फिर उसको हनुमान को दो, नहीं तो हनुमान नहीं खाएंगे। हैं? देखो एक छोटी स्टोरी सुनो अच्छे तरह से, ये पद्म पुराण की कथा है, इसमें बहुत कुछ आप लोगों की शंका दूर हो जाएगी, अच्छे तरह से सुनो। एक दिन नारद जी को पता चला
अगर कोई भगवान नारायण का प्रसाद एक बार कोई पाए, वो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति हो जाएगी, प्रभु को धाम में चले जाएगा। और प्रसाद खाने से भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हनिरस्य उपजायते, भगवान की प्रसाद ग्रहण करने से जीवन का सब दुख दूर हो जाता है। एक दिन नारद जी वैकुंठ में नारायण के पास में गए, बोले प्रभु थोड़ी सी प्रसाद दे दो। नारायण बोले देखो ये प्रसाद मैं नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले ये लक्ष्मी बनाती हैं, ये लक्ष्मी बना करके मेरे को खिलाती हैं। अभी ये लक्ष्मी करती है क्या मेरे को पता नहीं, तुम लक्ष्मी के पास में जाओ। अभी नारद जी लक्ष्मी के पास में आए, माता जी वहां बैठ कर बात मत करो, अलग हो जाओ वहां से। माता जी को उनको अलग कर दो, तो तीनों माता जी को बोलो अलग कर दो तीनों को वहां से, वहां तीनों को अलग कर दो बैठा कर। माता जी अपर मैं ऊपर बैठा हूं, सब देख रहा हूं क्या कर रहे नहीं कर रहे, घर की बात यहां पर मत कहा करो, ठीक है? घर में जाने पर फिर घर की बात नहीं करना। इसलिए इधर अभी उन्होंने बोले ये लक्ष्मी को पूछो, ये लक्ष्मी क्या करती है मेरे को पता नहीं। अभी नारद जी लक्ष्मी को पास में आए, बोले माता जी थोड़ा प्रसाद दे दो। बोले तू बीच से कहां से आ गया, मैं इतने कष्ट करके रसोई बनाती हूँ, अब प्रभु को खिलाने का बाद प्रभु जो छोड़ देते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूँ, तो बीच में कहां से टपक पड़ा, प्रसाद नहीं मिला, भागो यहां से। नारद जी को भगा दिए। फिर नारद जी घूम घाम करके फिर आए श्री नारायण के पास में, बोले माता जी तो प्रसाद दिए ही नहीं। बोले काम कर सकते हो? बोले बोलो। बोले मेरे मंदिर को पीछे जाओ, देखना एक ढक्कन सा है, हैं वहां पर पत्थर का, वो ढक्कन को निकालोगे तो वहां की कुंड है, उसमें स्नान करोगे तुम्हारी ये नारद शरीर छूट जाएगी, बड़े सुंदर एक गोपी मूर्ति तुम धारण करोगे, ये गोपी मूर्ति को लेकर के लक्ष्मी को पास में जाओ, इतने माँ लक्ष्मी की सेवा करो, इतने सेवा करो लक्ष्मी की, लक्ष्मी जैसे कुछ दिए बगैर रह ही नहीं सकती। जब ऐसे हो जाएगी फिर मैया लक्ष्मी को 3 बार कसम खिलाना, फिर प्रसाद मांगोगे ना, फिर प्रसाद तुम्हें मिलेगा। अभी नारद जी इतने सेवा उन्होंने की, इतने माँ लक्ष्मी की सेवा की। अब देखना अगर पत्नी को कोई विशेष चीज जरूरत होता ना, क्या करता है पत्नी, पति को बहुत ज्यादा सेवा करती है, इतने सेवा करती है पति को पता चलता है कुछ दाल निकाला है, हाँ ये ऐसे सेवा नहीं कर रही है, कुछ मांगने वाली है। हाँ जब पति खुश हो जाता है ना फिर वो मांगती है, फिर ये चीज चाहती है, इसलिए उसने इतने सेवा की, इतने सेवा की। मैया लक्ष्मी तो खुश हो गए, बोले तुम्हारी जय तो इतने सेवा किसने की नहीं, आज तो जो कुछ मांगोगे मैं सो देने के लिए तैयारी। बोले अब 3 बार कसम उठाओ। जब उन्होंने 3 बार कसम उठाई, बोले ठाकुर जी की थोड़ा प्रसाद दे नारायण। माँ लक्ष्मी बोली तुम सही सही बताओ तू है कौन, लगता है तुम्हारी ये असली स्वरूप नहीं, क्योंकि बड़े दिनों से तुम इधर इतने सेवा कर रही हो, जरूर कुछ तुम कोई अलग व्यक्ति हो, बोलो सही सही तुम कौन है। इतने में वहां पर श्री नारद जी प्रकट हुए, बोले श्री नारद बाबा की जय। जब नारद जी प्रकट हुए बोले हाँ तुमने पहले आया था ना प्रसाद लेने के लिए, बोले हाँ। बोले तेरे को ये रास्ता किसने बताया, बोले ठाकुर ने। बोले बोले 3 बार कसम खा चुकी, अभी उन्होंने भगवान प्रसाद जो पाए, दाल भात सब्जी खाए, जो प्लेट में बच गया ना उसको सब मिला करके उन्होंने श्री नारद जी को थोड़ी सी दे दिया। नारद जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न नारद हुए, और नाचते नाचते कैलाश में पहुंचे। कैलाश में श्री भोले बाबा थे, भोले बाबा देखे आज नारद जी इतने आनंद में क्यों नाच रहे हैं। बोले नारद जी क्या बात है, बोले ठाकुर जी को प्रसाद मिला। बोले देखो नियम है, प्रसाद बांट कर खाओगे ना वैकुंठ जाओगे, मेरे लिए तो जो प्रसाद बच्चा की नहीं। बोले अरे कितने सालों के बाद में ठाकुर जी थोड़ी सी प्रसाद दिए माँ लक्ष्मी। बोले देखो ना तुम्हारे हाथ में थोड़ी बहुत लगा होगा, देखा उनके हाथ में केवल एक किनका प्रसाद लगा हुआ था, ए शंकर जी एक किनका प्रसाद खाए और ऐसे नाचना सुर किया तांडव नृत्य, अभी कैलाश भी डगबगाने लग गए। वहां माता पार्वती थी, बोली क्या बात आज शंकर जी नारद जी इतने आनंद में क्यों नृत्य कर रहे हैं, बोले क्यों इतना नाच रहे हो क्या बात है। शंकर जी बोले हमें ठाकुर जी के प्रसाद मिला है,
बोले देखो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अर्धांगिनी का क्या नियम है, पति को जो कुछ मिले उसमें पत्नी की आधा हिस्सा होता है। बोले आपकी मैं अर्धांगिनी हूँ, मेरे लिए प्रसाद रखेगी नहीं? बोला अरे किनका मेरे को मिला? बोले जो कुछ पति को मिले आधा हिस्सा पत्नी की है, क्योंकि स्त्री उसकी अर्धांगिनी होती है। बोले तो मैं तो खा लिया। इतने माता पार्वती बिगड़ गई, बोले मैं और ये कैलाश में नहीं रहूंगी, मैं ये मरते जगत में जाऊंगी श्री जगन्नाथपुरी में। जब ठाकुर जगन्नाथ जी को पहले भोग लगेगा वो प्रसाद मैं पा करके माँ घर के क्या करती है, पहले बना कर खाती है ना, पहले बच्चों को पति को खिलाती है, पहले सबको खिलाती है ना माँ, उसको बाद में माता जी फेर लेती है। इसलिए माता जी बोली मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी, पहले प्रसाद मुझे मिलेगा फिर ये प्रसाद मैं दुनिया को दूंगी। इसलिए आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो कोई? आप लोग कहीं नहीं गए, घर छोड़कर कहीं गए नहीं। आप सबको हम सब धाम घुमा लेंगे, ठीक है ना, सब धाम आपको करा देंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में कभी जाओगे वहां पर देखोगे जगन्नाथ जी है, ये भगवान कृष्ण है। जब वहां पर जगन्नाथ जी को भोग लगता है वहां माता विमला है, जैसे माता जी की बहन पीठ है ना, वहां पर माता जी के चरण गिरा था, वो चरण जो गिरा था वहां विमला देवी है। जब जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगता है वो हो गया प्रसाद, लेकिन माता जी कौन? वैष्णवी। वैष्णव मतलब जैसे हम लोग वैष्णव है, माता जी भी वैष्णवी है। माता जी गले में भी तुलसी कंठी है, माता जी है ना, जैसे वैष्णव मात्र गले में तुलसी की कंठी पहनती है, माता जी भी वहां पर तुलसी की कंठी पहनती है, स्वयं है ठाकुर जी स्वयं पहनती है। वो प्रसाद माता विमला जी उनको पास में आती है, फिर माता जी प्रसाद पाने के बाद जितने लोग वहां पर होंगे सबको वो प्रसाद देना पड़ेगा, क्योंकि माता जी सबको प्रसाद दिलाने के लिए ही उन्होंने कैलाश छोड़ करके इस जगत में माता जी आए। इसलिए जगन्नाथपुरी में प्रसाद नहीं है उसका नाम, उसका नाम महा महा प्रसाद है, क्योंकि जब कोई भक्त उसको सेवन करते हैं ठाकुर जी को पास में, वो फिर प्रसाद नहीं रह जाता है, महा महा प्रसाद हो जाता है। इसलिए नियम है, अच्छे तरह सीख कर के जाओ, नियम है जब कोई भोजन हो पहले कृष्ण को भोग लगा। किसको भोग लगाओगे? भगवान कृष्ण को हो, नहीं तो राम को हो भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद शंकर जी को हो, नहीं तो हनुमान जी को हो, माता जी को हो, फिर गणेश जी को हो, फिर वो चीज भोग लगाओ, क्योंकि शंकर जी वैष्णव है, माता जी वैष्णव ही है। वैष्णव लोग क्या करते हैं? ठाकुर का प्रसाद के बगैर कुछ भी नहीं लेते हैं। हनुमान परम वैष्णव है, राम के प्रसाद के बगैर हनुमान कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी चीज हो क्या करोगे, सबसे पहले किसको भोग लगाओगे? पहले श्री भगवान कृष्ण को, राम को, विष्णु को, इनको भोग लगाओ, ठीक है ना, फिर ये प्रसाद जितने सारे देवादेवी को दाओ। कभी अगर तुम्हारी सौभाग्य होगा एक बार आपको जगन्नाथपुरी ले चलेंगे, कौन जाएगा हाथ उठा? जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है ना, यहाँ भी कोशिश करके रथ यात्रा निकालने के लिए, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होता है अगर श्री रथ के ऊपर में, देखो सुना, रथ के ऊपर में अगर किसी ने श्री जगन्नाथ जी को दर्शन कर लिया, शास्त्र कहता है फिर जगत में पुनर्जन्म उसको नहीं होता। जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठते वहीं पर मेन जगन्नाथ जी हैं, बड़ी महिमा, इतने लोग होते जो कभी किसी फेस्टिवल में, जीवन में, किसी यात्रा में इतने लोग कभी नहीं देखोगे। जगन्नाथ रथ यात्रा में इतने लाख लाख लोग होते, बड़े सुंदर समुद्र है उधर, हमारी मंदिर भी है, ठीक है, आपको वहां ले जाएंगे और ले करके बड़ी अच्छी अच्छी चीज दिखाएंगे जो जिंदगी में जो चीज नहीं देखे वहां पर। कल जो हम जो साखी गोपाल कथा वहां सुना रहे थे, साखी गोपाल जी कथा, कैसे ठाकुर जी वृंदावन से साखी देने के लिए चलते चलते जगन्नाथपुरी चले गए, साखी देने के लिए ठाकुर चलते चलते गए। एक भक्त था वहां पर और एक कृष्ण मूर्ति जो ठाकुर को पूजा करता था, जब वृद्ध हो गए, जब उनको सेवा नहीं कर पाए, बोले हमसे और सेवा नहीं हो पाए। ठाकुर जी जो खड़े थे ना, ठाकुर जी पद्मासन करके बैठे हुए, पृथ्वी में एक ही ठाकुर वहां देखोगे जो ठाकुर जी पद्मासन करके ठाकुर जी कृष्ण बैठे हुए हैं भक्त की सेवा लेने के लिए। ठाकुर जी को बनाए और कोई नहीं, वही देखोगे। जब भगवान राम का वनवास हो गया, एक दिन भगवान दंडकारण्य में थे,
और वहां पर ऋषियों का आश्रम था, वहां पर गैया थी। एक दिन आंधी तूफान आया तो भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। इतने में माता सीता देवी प्रश्न की, बोले प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले जब द्वापर युग होगा ना, मैं एक कृष्ण बनकर के आऊंगा और उस समय मैं ग्वाला बनकर के आऊंगा और मेरे पिताजी के 9 लाख गैया होगी, मैं सखाओं को साथ में गैया चराऊंगा। बोले देख सीता, इसी अवतार में तुम अकेले मेरी स्त्री हो, लेकिन जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा ना, 100 करोड़ों गोपियों से मैं रास करूंगा। जब फिर मैं द्वारका जाऊंगा, 16,108 पटरानियों से मैं शादी करूंगा। बोले प्रभु इतने शादी करोगे? हाँ मैं इतने शादी करूंगा कृष्ण अवतार में। इतने में मैया सीता बोली, आप कृष्ण अवतार में आपको गोपी कैसे होएंगे, सखा कैसे होएंगे, आपकी ग्वाल बाल कैसे होएंगे कृष्ण अवतार में? आप कृष्ण अवतार में आप देखने में कैसे होगे, मेरे को थोड़ा दर्शन कराओगे? भगवान राम बोले ठीक है, तुमको 7 दिन बाद में मैं तेरे को दिखाऊंगा। इतने में भगवान राम ने एक गुफा को अंदर में गए और तीर से उन्होंने बड़े सुंदर एक शिला के ऊपर में उन्होंने कृष्ण की मूर्ति अंकन स्वयं राम ने किए, कृष्ण की मूर्ति बनाई, कुछ सखियां बनाए, कुछ सखा बनाए, कुछ गोप बनाए, चारण मुष्टि को बनाए, एक शिला में उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने ठाकुर जी को बनाए। इतने में जब उन्होंने माता सीता को दर्शन कराए, मैया तो देख कर इतने खुश हो गई, इतने खुश हो गई मैया, बोले प्रभु आप में और इनमें तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। बोले हम थोड़ी दो है, हम तो एक ही है ना, तृतीया जी में राम अवतार में आया और कृष्ण अवतार में कृष्ण बन करके आओगे। लेकिन बोले प्रभु थोड़ी सी थोड़ा फर्क भी दिख रहा है। बोले क्या है? बोले आप तो सीधा दिख रहे हो, लेकिन ये है ना 3 जगह से टेढ़े दिख रहे हैं, कृष्ण 3 जगह से टेढ़े है ना। बोले आपका हाथ में धनुष है और इनके हाथ में क्या है, बंसुरी है। बोले आपका जो आंख है ना गंभीर है, लेकिन इनकी आंख है ना बड़ा चंचल दिख रहा है। बोले 100 करोड़ गोपी तो चंचल होगा ही, इसलिए बड़ी सुंदर है ये मूर्ति, कहीं जिंदगी में नहीं देखोगे। कृष्ण कृष्ण को बनाया, कभी देखे हो कृष्ण कृष्ण को? भगवान राम कृष्ण को बनाया, वहां जाओगे ना इतने बढ़िया बढ़िया चीज देखोगे, कौन जाएगा? हाथ और बार हाथ उठे भैया, इस बार एक काम करना, अगर ये कोरोना की तीसरा लहर नहीं आया ना, आपको बड़ी दायित्व दे रहा हूँ, अगर ये तीसरी लहर नहीं आई कोरोना की, इनकी पूरा जगन्नाथपुरी इनको जाने के लिए व्यवस्था कर देना, पैसा देने का जरूरत नहीं, ये सबके सब पैसा देंगे, लेकिन पहले टिकट बनाना, ठीक है ना? पहले टिकट बनाना और जगन्नाथपुरी जाना। हाँ, और जो होली आ रही है, अभी होली आएगी ना, श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये राधा कृष्ण दोनों मिल करके ये श्री चैतन्य महाप्रभु है। हाँ, राधा कृष्ण का मिलित विग्रह चैतन्य महाप्रभु। होली में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्म हुए हैं, जिधर गंगा सागर है, हैं? वहां पर शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती अगर जीवन में एक बार कोई ये गंगा सागर आए, जीवन में एक बार श्री नवद्वीप धाम में परिक्रमा करे, उसको पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ घूमने से जो पुण्य मिलेगी, उससे करोड़ों गुण पुण्य मिलेगी पार्वती, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को धाम में परिक्रमा करेगा। जैसे इधर राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, उधर भी सब कुछ देखोगे, हैं? उधर सब कुछ आपको दर्शन मिलेगा, बड़ा पुण्य है उस धाम को परिक्रमा लगाने का। अगर कभी आपको सौभाग्य होगा, अगर कभी उधर आप आओगे, तो फिर वहीं से आपको हो सकता है जगन्नाथपुरी पास में, गंगा सागर पास में है, कितना सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार जीवन में जाननी चाहिए, ठीक है ना? आप प्रभु जी अब इनको इनके लिए सबके सब व्यवस्था कर देना, इस सबको ले जाने के लिए, हम तो चले जाएंगे, फिर तो पता नहीं कब आएंगे, कोई पता नहीं, जब बुलाएंगे फिर आएंगे। हम चाहते हैं आप सबको वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, नवद्वीप, सबको एक एक बार हम दर्शन करा दें, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी कृष्णा धीरे 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 कृष्णा बड़े होते जा रहे हैं। बोले कितने दिन की हो गई? बोले कृष्णा हो गए 3 महीना की। देखना बच्चा जब 3 महीना हो जाए ना, वो करवट लेता है। एक दिन कन्हैया ने करवट ली,
मैया तो बड़ी खुश हो गई, क्यों राजा का बेटा है ना, बुढ़ापन में बच्चा हुआ है, बड़ा दुलाला है, हर बात बात पर मैया उत्सव करती हैं। बोले लाला तो ताकत आ गया लाला का शरीर में, आज लाला ने करवट ली है, आज घर में करवट लेने का आज हम लीला उत्सव करेंगे। उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी माताओं को बुला दी, अपना आंगन को साफ सुथरा कर दी और कृष्ण को स्नान करा के एक बैलगाड़ी पर नीचे उन्होंने नीचे सुला दी और सबके सब गोपियां बैठ करके बड़ी सुंदर कन्हैया की कीर्तन कर रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, आज तो कुल
जब गोपियां बैठकर कीर्तन कर रही थी, देखो पहले क्या नियम था। पहले नियम था कोई भी घर में काम हो ना, सुबह काम, सबके सब माताएं बैठकर घर में सत्संग होती थी, घर में कीर्तन हुआ करता था। क्यों? जब ठाकुर का कीर्तन करके कोई भी काम करो ना, कहते मंगल भवन अमंगल हरि। अभी भी ब्रज में हमारे वहां मंदिर था, किसकी घर में शादी थी, वो एक ना दो महीना पहले से सब माताएं बैठ करके सब भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर कीर्तन करते थे। पहले यही नियम था। ये डिस्को ध्यान उल्टा पुल्टा सब गाना बजा करके उसको ऊपर में पी पा करके गंदी गंदी भजन, ये सब कुछ नहीं होता था पहले। इसलिए घर में शांति सुख रहता था। क्यों? भगवान कीर्तन के द्वारा कोई भी काम कर मंगल तो होगा ही। इसलिए गोपियां बैठी करके वहां पर ठाकुर का कीर्तन कर रहे थे। अभी ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? एक दिन नारद जी ठाकुर से पूछे, बोले ठाकुर आप रहते हो कहाँ पर? देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ठाकुर कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं वहां भी नहीं रहते हैं। बोले कहाँ रहते हो? बोले जहाँ पर मेरे भक्त बैठ करके मेरे कीर्तन करे वहीं रहता हूँ। इसलिए आप लोग भी घर में कीर्तन करना, ठीक है ना? क्या करोगे घर में? जब भगवान संन्यास लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी, एक समय उन्होंने सारे भक्तों को बुलाए। ठाकुर जी खुद कहते हैं, बोले मेरे को कौन प्रेम करते हो? हाथ उठाओ कौन प्रेम करते हो? सब बोले प्रभु हम प्रेम करते हैं। बोले अगर मेरे को तुम लोग प्रेम करते हो, मेरे एक आदेश को पालन करना। बोलो क्या? बोलो। बोले घर में जैसे सारे काम करके जब घर में वापस आ जाओगे, सबके सब घर में बैठ करके थोड़ी समय, अगर मजरा ढोलकी हो अच्छी बात है, अगर मजरा ढोलकी वो भी नहीं होना, ठाकुर जी कहते हाथ में खबर ताली बजाते हुए, हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ी सी कीर्तन करना। आप स्वयं देख लेना, ये चीज को परख लेना। घर में कोई दुख कष्ट है, किसी तरह से जा नहीं रहे, तुमको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, कहीं जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ, सबके परिवार सबके सब बैठ जाओ, ठाकुर के सामने बैठ कर कीर्तन कर लेना। देखना भगवान की कीर्तन में शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता हूं, बोले सर्व दुख अपसमनम, जितने घर का दुख है हरि के नाम से समस्त दुख तुम्हारे घर से दूर हो जाएगी। सर्व उपद्रव समनम, घर में अगर कोई उपद्रव तुम्हारी हो रही है, घर में कोई अनहनी हो रही है, आप कीर्तन करो, देखना घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगी, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। मैं उसी दिन ही बता रहा था ना, जब हाथ में थोड़ा ताली बजा कर कीर्तन करोगे, अगर तुम्हारी भाग्य रेखा थोड़ी सी उल्टा पुल्टा हो, भाग्य रेखा उल्टा पुल्टा हो, लेकिन हाथ में ताली देकर कीर्तन करोगे ना, हम ताली कब देते हैं, ताली कब बजाते हैं, कहते ना इनकी स्वागत में ताली बजाओ, लेकिन जब ठाकुर का कीर्तन में स्वागत में ताली बजाओगे, ठाकुर के लिए ताली बजा रहे ना, ये भाग्य रेखा भी ठाकुर तुम्हारी बदला देंगे। स्वयं देख लेना, इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं। आप घर में 10-15 मिनट हरि कीर्तन हो जाए ना, आप लोग देखना घर का दुख भी दूर हो जाएगी, मन को शांति भी मिलेगी। जैसे यहाँ पर आते हो, शांति मिलती कि नहीं? बोला हाँ कि ना? बोला कोई बोल नहीं रहे किसी, तभी तो यहाँ पर आते हैं ना, क्योंकि भगवान की कथा में कीर्तन में शांति मिलती है मन को, हैं? इसलिए अभी कीर्तन हो रही थी, कृष्ण को तो लेटा दिया था कहाँ पर, बैलगाड़ी को नीचे। इतने में कृष्ण का नींद खुल गई, नींद खुल गई तो बोले देखो कीर्तन मेरे लिए, उत्सव मेरे लिए, और मेरे को कहाँ लेटा दी, बैलगाड़ी को नीचे हमें लेटा दी। अभी कृष्ण अपना कीर्तन में आना चाह रहे हैं, लेकिन कृष्ण का उम्र कितना हो गया, कितने 3 महीना की कृष्ण, अभी आज ही कृष्ण करवट लिया है, ठाकुर जी को घुटन पर भी चलना नहीं आता है। इतने में बोले बाला नाम रोदना बल, बच्चों का बल क्या, रोना। जब बच्चा रोता है ना, माँ को पता चलता है इसको भूख लगा है, इसको भूख लगी है। अगर बच्चे रोने पर माता उसको कोई चीज खिलाती है, कृष्ण सोचा अगर मैं थोड़ा रोऊंगा तो फिर मैया मेरे को गोद में उठा कर ले जाएगी, फिर कीर्तन का आनंद भी मैं थोड़ा ले सकता हूँ। इतने में कृष्ण तो रोना शुरू कर दी, लेकिन तो वहां बहुत सारी गोपियां आई हुई थी, किसको कुछ देना, कुछ को लेने में मैया लगी हुई,
और कीर्तन हो रहे थे जोर जोर से, कृष्ण रो 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 करके ना थक गए, बोले कब तक रो, इतना तो रो लिया, अभी तक तो मैया मेरे को उठा कर ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की जो इच्छा शक्ति योग माया ने कंस को प्रेरणा किया, कंस ने एक राक्षस को भेज दिया, हाँ, जिसका नाम था शकटासुर था, हाँ, ये पूर्व जन्म में उत्कच था, ये हिरण्याक्ष का बेटा। एक दिन इसने लोमर से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके उनके बाग को उन्होंने उजाड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए तू इतने मोटे छोटे बने हो, संतों की बात को उजाड़ने के लिए मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अहंकार है तेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा। और देखते देखते उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गई, अभी सारे नशा उतर गया। बोले बाबा कल्याण कैसे होगा, बोले जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनके चरण स्पर्श से तुमको मुक्ति मिलेगी। कंस उसी को भेज दिया, अभी उसने आया कृष्ण को मारने के लिए, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ, सोचा ये बैलगाड़ी में सवार हो जाऊं, उसका तो रूप था नहीं। अब धीरे 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 बैलगाड़ी नीचे आने लग गया, सोचा कृष्ण को पीस दूंगा। कृष्ण ऊपर देखा, बोले मामा जी आए, कंस मामा लगते हैं, उनका संबंध सब मामा है। इतने में कृष्ण जो केवल कृष्ण 3 महीना के, अपना चरणों को कृष्ण थोड़ी थोड़ी चलाना शुरू किया, और चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारे गाड़ी में, वो गाड़ी एकदम पलट गई, जितने दूध दही सबके सब तसनस हो गया। सारे ब्रजवासी भागते भागते आए, बोले आंधी तूफान है, पलटी तो पलटी गई से, लेकिन एक छोटे छोटे बच्चों ने देखा था वो कृष्ण के चरण की स्पर्श से गाड़ी पलट गई। बच्चों ने तोतली तोतली बोली से बोले, बोले मैया 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 हम बताए गाड़ी गाड़ी कैसे पलटी पलटी गई, बोले कैसे, बोले कन्या के चरण की ठोकर से। मैया बोली लगता है भाग की गोला खा ली ज्यादा, अरे लाला अभी 3 महीना आज का दिन करवट लिया और उसकी चरण से गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि माँ क्या सोचती है, ये तो मेरी लाला है, ये मेरे लाला है, उनको पता नहीं दुनिया का मालिक कृष्ण है, हैं? इसलिए इतने में मैया ने फिर कान्हा को उठा कर ले गई, कीर्तन को बीच में लेटा दी, फिर गोपियों ने बड़े सुंदर कीर्तन की, कृष्ण खुश हो गए, बोले पहले अगर ले आते इतने नटखट में थोड़ी करता है। देखो यहाँ पर हमारे टीकाकारों ने अच्छी सिखा दिया, आप लोग भी इसको शिक्षा लेने के लिए कोशिश करना। लेकिन हो रही थी कृष्ण के लिए उत्सव, लेकिन उन्होंने क्या किया, उत्सव से कृष्ण को वहां से उन्होंने अलग रख दिया। कहाँ रख दिया, बैलगाड़ी को नीचे लेटा दिया, और बैलगाड़ी के ऊपर क्या रख दिया, जितने दूध दही को, मानो ये सांसारिक विषय को उन्होंने ऊंचा रख दिया और कृष्ण को नीचा कर दिया और उत्सव से कृष्ण को निकाल दिया। भगवान बोले उत्सव, हम कहते ना उत्सव, उत मतलब निकालना, फिर क्या रह जाएगा, बोले सब, सब मतलब होता है मरा शरीर। अगर घर में हम कोई कुछ उत्सव करते हैं, अगर उसमें ठाकुर जी के लिए कोई कुछ है नहीं, भगवान से कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी कहते वो सब है, वो मरा हुआ है। जैसे शादी हो रही, सारा दुनिया को बुलाए, पता नहीं कितना बोतलों तोड़वाते हैं, बोतलों तोड़ना जानते हो, शराब पिलाते हैं, कितने मुर्गा खिला देते हैं, लेकिन सब कुछ तो दुनिया की के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए कुछ नहीं। भगवान बैठे हुए, जिसने सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ, ठाकुर के लिए कुछ नहीं, सारा दुनिया भूतों को खिला रहे हैं सबके सब, उल्टा पुलटा है। इसलिए एक संत कहते थे, मैं नहीं कह रहा, एक संत जैसे किसी बच्चे का बर्थडे ही, हम भगवान के लिए कोई पोशाक नहीं, अपना बच्चे के लिए 10 भी ड्रेस है वो और के ड्रेस बनाएंगे, ठाकुर जी का 2 ड्रेस है, बोले ठाकुर के लिए कपड़ा तो है ही है। नहीं, ठाकुर के लिए जितने कपड़ा क्यों नहीं हो, अगर ठाकुर का कोई तिथि आती है, बात तुम्हारी घर में शादी की साल लग रहा, नहीं तो तुम्हारी बच्चे का बर्थडे आता है ना, सबसे पहले किसको देखो, पहले ठाकुर के लिए देखो कोई ड्रेस है कि नहीं, जितने ड्रेस क्यों नहीं हो, जितने ड्रेस क्यों नहीं हो, ठाकुर जी के लिए एक नया ड्रेस का आपकी इच्छा होती कि नहीं, नया कपड़े पहनने के लिए, साड़ी पहनने के लिए, जब हमारी इच्छा होती है, क्या ठाकुर की इच्छा नहीं होती है? द्रौपदी का नाम सुने हो, कौन कौन द्रौपदी का नाम जानते हो? जब भगवान की अंगुल में कट गई, ठाकुर परीक्षा कर रहे थे, कट गई, इतने में द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके उन्हें थोड़ा बैंडेज कर दी, ठाकुर जी चिंता में पड़ गए, इसकी ऋणी मैं कब उतारू, अपना साड़ी फाड़ दिया मेरे लिए। भरी सभा में जब लाज जा रही थी, द्रौपदी का कितने पति थे,
पांच पांच पति थे ना द्रौपदी के, उस समय सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, नकुल, सहदेव, एक से एक बलवान, बताओ उसको कोई काम में आए? किसने बचाए उनको? बचाए तो कौन बचाए? और मुरली वाले बचाए। जब ठाकुर जी को हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी, जब उन्हें ठाकुर जी को उन्होंने पुकारे, ठाकुर जी वस्त्र दिए, इतने ठाकुर जी कपड़े दिए, ठाकुर जी इतने वस्त्र दिए कि 10,000 हाथी का ताकत तो खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच नारी ना, ये नारी एक साड़ी बन गई। देखा कि नहीं महाभारत में? क्यों? ठाकुर जी को कपड़ा बैंडेज कर दी। देखो पुराण में बताया, जैसे ठाकुर को पोशाक पहना था ना, कहते उसमें जितने धागा होती है, ठाकुर के लिए जो कपड़ा बनाते उसमें जितने धागा होती है ना, कहते उतना कल्प तक उसको वैकुंठ वास मिलता है जो ठाकुर जी को कपड़ा पहनाते हैं। इसी जगत में देखना, अक्सर करके ध्यान देकर सुनो, इस संसार में अक्सर करके हम जो काम करते हैं ना, दूसरों को खुश के लिए, अपना पति को कैसे खुश करे, सास को कैसे खुश करे, ननद को कैसे खुश करे, देवर को कैसे खुश करे, इसलिए तो ज्यादा करते हो। अपना लिए देखना बहुत कम करती होगी। घर में सबको खिला पिला करके अगर कोई खत्म हो गया और कोई सब्जी नहीं, आप देखना दो रोटी नमक से खा लेते हो, कभी खाएगी नहीं। कौन कौन खाए? कभी कोई खाई होगी, है खाई हो। दूसरों को खुश के लिए सब करते हैं। लेकिन अभी आपसे एक प्रश्न करता हूं, इस प्रश्न करता हूं, अभी संसार में तुम्हारे ऊपर कोई खुश है? बोल दो, कोई खुश है तुम्हारे ऊपर में? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली होती होगी। चुगली के बगैर संसार तुम्हें, बदनाम के सिवाय संसार में कुछ तुम्हें देने वाले है नहीं। मिलेगी तो केवल बदनाम ही मिलेगी, चुगली मिलेगी, और उसी के लिए तो दिन भर करते हैं, ठाकुर के लिए कुछ नहीं। ठीक है ना? क्या करना? पहले ठाकुर जी के लिए सेवा करो, ठाकुर को जितने सुंदर श्रृंगार करोगे, ठाकुर को जितने सुंदर सेवा करोगे, ठाकुर घर में जितना सुख रहेगा ना, ठाकुर जी देना उसी घर में फलते फूलते रहेगा। हर चीज में तुम खुश रहोगे। अगर ठाकुर जी खुश नहीं तुम्हारी घर में, तुम बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हो लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे हो, ठाकुर जी को प्याज लहसुन डाल डुल करके बढ़िया राजमा और शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा चावल चकाचक खा रहे हो, खूब प्याज डाल करके, लेकिन घर में ठाकुर जो मालिक जिसने दिया तुमको, वो चुपचाप बैठा हुआ, थोड़ा बतासा दे दिया, नहीं तो थोड़ी सी क्या दे दिया, मिठाई दे दिया, वो बैठा हुआ। घर का जो मालिक चुपचाप बैठा हुआ जिसने दिया, और जो नौकर है ना चकाचक खा रहे। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, देखो अच्छे तरह समझे जी को, जैसे तुम्हारे घर में कोई नौकर है, कोई घर में नौकर है, वो नौकर क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खुद खाता है, लेकिन मालिक को जैसे तैसे खिला देता है। अगर ये मालिक को ये बात पता चले, मेरे जो नौकर घर में रहता है ये रोज रोज तो बढ़िया बढ़िया खा रहा है लेकिन मेरे को जैसे तैसे सामने रख देता है, बताओ ये मालिक नौकर को क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? नौकरी से निकाल देगा, धक्का देकर घर से निकाल देगा तुमको। बोले मेरा सब कुछ है और मेरे को नहीं, तुम खा रहे बढ़िया। इसलिए घर का मालिक हम ना, ठाकुर जी घर का मालिक है। बोलो कौन घर का मालिक है? ठाकुर जी घर का मालिक है। इसलिए भैया पहले ठाकुर जी को सेवा करो, ठीक है ना? पहले भगवान की सेवा करो, उनकी आशीर्वाद से सुखी रहोगे। हाँ ध्यान देकर सुनो, अगर खाने में अगर प्याज लहसुन डालोगे फिर ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, नहीं लगता है ना? मैं तो घर घर में मैंने बहुत कथा सुनाया, तभी और एक बार सुना देता हूँ, ध्यान लगा कर सुनो। ये प्याज लहसुन को क्यों नहीं खानी चाहिए, फिर ये ठाकुर जी को सेवा में ये प्याज लहसुन क्यों नहीं लगती, ये चीज को अच्छे तरह सुन लो। मैं तो बहुत घर में सुनाया, और एक बार सभी के लिए सुना देता हूँ। पहले पहले क्या होता था, ऋषि मुनि लोगों का आश्रम में गैया रहती थी, वो माताएं, क्योंकि जिनकी शरीर में 33 करोड़ देवता के निवास है। अगर कोई गैया बुरी हो जाती थी उसको मरने नहीं देते, मारने नहीं देते, क्यों? वो माता है। वो यज्ञ करते थे, यज्ञ को यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे, सबको हाथ में मांस देते थे आहुति डालने के लिए। ऋषियों के पास में इतने मंत्र शक्ति होती थी, जब ऋषि मंत्र पढ़ते थे वो बूढ़ी गैया भी जवानी बन जाती थी। अभी क्या हुआ, आश्रम में कोई गैया बूढ़ी हो गई, सब ऋषि मुनियों को बुलाए, यज्ञ की अनुष्ठान की, वो गैया को बलिदान दिया, सबका हाथ में मांस दे दिया आहुति डालने के लिए। हर तरह से व्यक्ति होते हैं,
किसने ये मांस को देख करके खाने की इच्छा हो गई, बोले सबको सामने खाऊं कैसे, बोले राख में इसको मैं छुपा देता हूं, जब सबके सब चले जाएंगे ना फिर इसको मैं छुपा कर खा लूंगा। सबके सब आहुति डाले, ऋषि मंत्र पढ़े, वो जो गैया थी ना पूरा जवानी बन करके निकली, लेकिन जिस अंग का मांस को उसने छुपाया था वो जगह भरा नहीं, इतना बड़ा घाव बना हुआ। ऋषि तो साधारण थे नहीं, वो त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया उन्होंने, सब कुछ उन्होंने देख लिया, बोले किसने खाने के लिए उसको छुपाया राखों में, फिर उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जहां पर ये मांस को गाड़ दिए वहां पर पाप जन्म होगा, प्याज की जन्म होगी, जैसे मांस लाल लाल रंग के, ये प्याज भी लाल लाल रंग का बनेगा, मांस सड़ जाने पर जैसे बदबू आती है ये प्याज में भी बदबू आएगी। अब देखना कच्चा प्याज खाओ मुंह से बदबू मारती कि नहीं, यहाँ प्याज काटो तो पूरा पता चलेगा कहीं प्याज कट रही है, आंखों से आंसू आ जाती है, जैसे नवरात्रि आती है 9 दिन तक आप लोग कोई प्याज लहसुन खाते हो, कोई नहीं खाते ना 9 दिन तक, क्यों नहीं खाते हो, क्योंकि माता जी को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते हो, तभी तो नहीं खाते ना, क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, इसलिए जो क्या 9 दिन के लिए मैया को खुश रखो फिर खा करके मैया को फिर नाराज कर दो, समझ रहे कि नहीं, इसलिए जो चीज माता जी को पसंद नहीं, जो चीज हमारी कान्हा को पसंद नहीं, जो चीज राम को पसंद नहीं, जो चीज हनुमान को पसंद नहीं, जो चीज हमारी भगवान को पसंद नहीं, वो चीज हमारी भी पसंद नहीं होनी चाहिए, जो चीज ठाकुर को पसंद है वो चीज हमें भी वही चीज पसंद रहनी चाहिए, ठीक है ना। क्या करना है, प्याज लहसुन को नहीं ग्रहण करनी चाहिए, ये पाप से ये सृष्टि, जहां पर हड्डी को गाड़ दिया था वो लहसुन का पौधा हुआ, जहां पर खून का बूंद गिर गई थी वहां पर मसूर दाल हुई। आप लोगों देख लेना आपका परिवार में एक दो पीढ़ी पहले, आप देखना ये चीज को कोई नहीं लेते थे, एक दो पीढ़ी पहले देख लो कोई नहीं लेते थे, हमारे घर में नहीं आती थी, सबके सब छोटे व्यक्ति ये चीज को जाते लोग ये सब चीज खाया करते थे, क्योंकि हर हिंदू घर में क्या होता था, ठाकुर को भोग लगता था, प्रसाद पाते थे, लेकिन धीरे 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 ये कली की प्रभाव से ये धीरे 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 ये चीज की बदलती हुई जा रही, इसलिए कोशिश करना गंदी चीज से दूर रहो, भगवान की भोग लगाओ, प्रसाद पाओ और जीवन में खुशी में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु जी एक भजन गा लो, बढ़िया एक भजन सुन लो, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, मेरा मन रह गया नंद कुमार, वृंदावन कुंज गलिन में।
से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अज्ञान हरि ओम हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परमारतम गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा को चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त भागवत कथा श्रोत मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। भगवान कृष्ण का जब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे उस समय पर कृष्ण की दो तरह की लीला हुई प्राय ब्रज में। एक तरफ तो उन्होंने पूतना अघासुर बकासुर शकटासुर इत्यादि सभी राक्षसों का वध किया जो उनके ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है। भगवान है ना, तो भगवान का क्या अपूर्व ऐश्वर्य होता है, उसको प्रकाशित किया इन सब राक्षस वध इत्यादि लीलाओं से। और कहीं कहीं पर भगवान ने बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करी। एक नरवत जिस प्रकार एक छोटा बालक लीला करता है उसी प्रकार भगवान ने भी सुंदर सुंदर ब्रज में लीलाएं करी। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब वर्णन कर रहे थे कृष्ण के नामकरण के पश्चात, एक दिन मैया ने कृष्ण को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बलदेव और कृष्ण दोनों को ही। गर्गाचार्य ने आकर जब इनका नामकरण किया था तो दोनों का नाम रखा था कृष्ण और बलराम। लेकिन घर में क्योंकि कृष्ण और बलराम ग्वाले लो है ना, तो इनको बोलने में बड़ा कठिन लगता था, तो मैया ने प्रेम से इनका नाम घर में रखा था कन्हुआ और बलुआ। एक दिन इन दोनों का बड़ा सुंदर श्रृंगार करके और मैया ने दोनों बच्चों को छोड़ दिया। रोहिणी मैया और यशोदा ये दोनों ही आज रसोई घर में काम कर रही हैं। गृह कार्य में बस व्यस्त थी और उसी समय पर कृष्ण ने विचार किया कि जब जब भी कोई विपत्ति आती है मैया यशोदा हमें क्या करती है, गौमूत्र से स्नान करवाती है, हमारे शरीर पर गोबर लगाती है। अरे आज मैं खुद ही देखता हूँ कि ये गोबर में आखिर है क्या। तो कृष्ण और बलराम दोनों खेलते खेलते छोटे बच्चे हैं अभी ठुमकते ठुमकते गए और जाकर चले गए जहां पर गाय बंधी हुई थी गौशाला में। और कृष्ण ने क्या किया, दोनों भाइयों ने वहां पर मिलकर गोबर था, गोबर से अपने पूरे शरीर को लेप लिया। अभी मैया यशोदा ने देखा दोनों बच्चों की आवाज नहीं आ रही, आखिर गए कहां। आवाज देने लगी, बोले कन्हुआ बलुआ तुम कहां हो। बोले मैया हम यहां हैं। मैया आवाज सुन के पीछे पीछे जैसे गौशाला की तरफ गई और देखा पूरा शरीर जो है गोबर में सना हुआ। देखकर मैया तो बड़ी क्रोधित भी हो गई और हंसने भी लगी। बोले अभी अभी तुम्हें श्रृंगार करके और बाहर की ओर भेजा था और क्या पूरे शरीर पर तुमने गोबर लगा दिया, अरे क्या पूर्व जन्म में सुअर थे क्या। कृष्ण भी वहां पर मंद मंद मुस्कुराते हुए हंस रहे हैं। श्री बिलोमंगल ठाकुर उन्होंने कहते हैं कि पंका विसक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं शुकरोऽसि गत जन्मनि पूतना रे इत्युक्त सस्मित मुखोऽवतु नो मुरारे। त्वं शुकरोऽसि गत जन्मनि पूतना रे, अरे क्या पूर्व जन्म में तू शुकर था सुअर था। कृष्ण वहां पर मैया की ओर बलदाव की ओर देखते और हंस रहे हैं। बोले भैया मैया हमको ठीक पहचान ली है। क्यों। बोले मैंने जब सतयुग में वराह अवतार लिया था उस समय पर वो सुअर का ही का अवतार था। उसी समय पर भगवान ने क्या किया था, रसातल में प्रवेश करके और अपने दांतों पर पृथ्वी को वापस तरंग करते हुए धूरी पर स्थापित किया था। इस प्रकार कृष्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी वहां पर। एक समय कृष्ण अभी बड़े छोटे बालक हैं और मनी मन विचार कर रहे हैं कि जो भी कोई ब्रज में आता है कहते हैं ना राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, जो भी कोई आता है
ब्रजधूल की ही महिमा को वर्णन करता है। राधे तेरे चरणों की ब्रजधूल जो मिल जाए, कभी उद्धव जी हम आगे श्रवण करेंगे। उद्धव जी को भी जब कृष्ण ने द्वारका से ब्रज में भेजा और जब उन्होंने ब्रज में आकर ब्रज गोपियों के मैया यशोदा और कृष्ण के उनके विरह में जो भाव देखे, उनका दर्शन करके उन्होंने भी ब्रज में एक गुल्म लता औषधि के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना करी। बरसाना गए हो आप लोग? जो बरस ये लोग कहीं भी नहीं गए, घर में रोटी बनाने लगी है सब। जो बरसाना धाम है, बरसाना धाम भी साक्षात ब्रह्माचल पर्वत है। आप देखना ब्रह्मा जी ने भी कठोर तपस्या करके और ब्रज में एक पत्थर रूप में जन्म लेने की प्रार्थना करी है। तो ब्रज धाम की इतनी महिमा है, ब्रज धूल की इतनी महिमा है। कहते हैं ना, रमन रीति लोट नहीं कियो न जमुना स्नान, रे मन तू क्या समझे ब्रज के तत्व महान। बोले यदि ब्रज में यदि जाओ तो दो काम जरूर करना। क्या कहते हैं? रमन रीति में एक तो लोटपोट खाना और यमुना को यमुना में स्नान अवश्य करना। ये दो काम जरूर करना। तो इसलिए ब्रज धूल की महिमा मानो आज कृष्ण भी स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आज कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपनी मृदु भक्षण लीला करेंगे। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपद्वारका, कृष्णो मृदं भक्षित वानिति मात्रो न्यवेद। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक बार जैसे बच्चे लोग मिट्टी से खेल खेलते खेलते घर बनाते हैं ना, मिट्टी में पैर घुसाएंगे उसके ऊपर मिट्टी डाल के और फिर वापस बाहर निकालते देखे घर सा बन जाता है। कृष्ण अपने सखाओं के साथ में दाम सुदाम मधुमंगल सभी के साथ में ऐसे ही घर बना रहे थे और सभी सखाओं ने तो बड़ा सुंदर सुंदर घर बना दिए, दो दो तीन तीन चार चार घर बना दिए, उनके ऊपर सुंदर पुष्प लगाए हैं, मयूर पंख लगा के उनको सजाया। लेकिन कृष्ण जब वो बनाने की कोशिश करते हैं, पैर में मिट्टी में पैर डाला ऊपर से मिट्टी ढकी, जैसे ही पैर निकालते हैं और घर धस जा रहा है। अभी सारे देवता लोग भी आकाश मार्ग से आके और ये दर्शन कर रहे हैं, बोले आज घर कौन बना रहा है? कृष्ण। यस्य प्रभावतो प्रभव जगदंड कोटि कोटिश्व शेषु वसुदादि विभूति भिन्नम। अरे जिनकी एक इशारे मात्र से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाती है, वो प्रभु आज एक साधारण मिट्टी का घर नहीं बना पा रहे। क्या आश्चर्य की बात है! सारे देवता लोग भी आकाश मार्ग से आके और दर्शन कर रहे थे और कृष्ण जितनी भी चेष्टा क्यों ना करे लेकिन बार बार घर धस जा रहा है। कृष्ण ने सुदाम से कहा, बोले तू मेरे घर बनाने में सहायता कर दे। सुदाम ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं करूंगा। कृष्ण को कितना क्रोध आया, कृष्ण ने क्या किया, सारे सखाओं के जो घर बने हुए थे सब तोड़ दिए और क्रोधित होकर मन ही मन विचार कर रहे, बोले तारिक के
इतनी देर हो गई मुझे चेष्टा करते करते, अभी भी घर नहीं बना पा रहा। कृष्ण ने वहां पर मिट्टी खाना चालू कर दिया, मिट्टी खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं। सखाओं ने मना किया, बोले कन्हैया मान के आज घर ने मक्खन नहीं खिलाया, मिट्टी क्यों खा रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कृष्ण किसी की बात नहीं सुन रहे। दाऊ भैया ने भी रोका, फिर भी नहीं मान रहे हैं। अभी सारे सखाओं ने क्या किया, जाकर मैया यशोदा को शिकायत कर दी। बोले मैया मैया जानती हो आज क्या हुआ है, अरे तेरा लाला ब्रह्मांड घाट पे बैठकर और मिट्टी खा रहा है। मैया ने जैसे ही बात सुनी वहां से दौड़ी दौड़ी चली आई और दौड़ी दौड़ी हाथ में है लठिया और कृष्ण को आज शासन करते हुए एक जोर से धमक लगाकर कृष्ण से कहने लगी, बोले क्यों रे चोर चुट्टे, मेरे घर में क्या माखन मिश्री की कमी थी जो आज तूने यहाँ आकर मिट्टी खाना चालू कर दिया। और कृष्ण अभी बड़े क्रोधित हो रहे हैं और क्रोध होने के साथ साथ डरे हुए भी हैं। प्राय देखो ऐसा होता है, अभी श्रवण कर रहे थे ना, जब द्रौपदी पे विपत्ति आई थी तो भगवान ने वहां अवतरित होकर उसकी रक्षा करी। भक्तों पर जब जब भी विपत्ति आती है भगवान आकर उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये ब्रज है, ब्रज में सदा विपरीत है। यहाँ पर कृष्ण आज विपत्ति में है और मैया यशोदा आकर कृष्ण की रक्षा कर रही है। कृष्ण कभी मानो खेलते खेलते आग में हाथ देने की चेष्टा करते हैं तो मैया जाकर उसको बचाती है, कभी सांप बाहर से जा रहा है तो कृष्ण उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं, मैया आकर उनकी रक्षा करती है। ये ब्रज का माधुर्य ऐसा है सदा विपरीत, सब जगह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज ब्रज में मैया यशोदा को कृष्ण की इतनी चिंता हुई कि मिट्टी खा लेगा तो इसका पेट खराब ना हो जाए, दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण को शासन करते हुए कहती है तूने मिट्टी क्यों खाई। अभी कृष्ण उस समय पर भयभीत होकर और तुरंत झूठ बोल देते हैं, नाहम भक्षितवानं भ सर्वे मिथ्यापि संशिणा यदि सत्यागिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। कृष्ण वहां पर साक्षात झूठ कह दिया, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण जन्म से पूर्व जब देवकी के गर्भ में आए, देवता लोग उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि, सब सत्य 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 करके और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन आज वही सत्य संकल्प भगवान ने मैया के सामने झूठ बोल दिया, न अहम भक्षितवानं भ मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले दाऊ कह रहे हैं सारे सखा कह रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई। बोले मैया मैया तुम जानती हो आज क्या हुआ है, आज ये सारे सखा अपने घर से लड्डू मालपुआ कचौड़ी सब चोरी कर करके लाए थे और तुझे तो पता है मैं चोरी की कोई वस्तु खाता नहीं। मैया कहने लगी मुझे बहुत अच्छे से बताए तो क्या खाता है क्या नहीं खाता, तो इन्होंने मैंने चोरी की वस्तु कोई खाई नहीं, इन्होंने सोचा कि मैं जाकर शिकायत ना कर दूं इसलिए मुझसे पहले जाकर मेरे नाम पर इन्होंने तेरे से झूठ बोल दिया। तो यहाँ पर मैया कहने लगी कि दाऊ भैया वो तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोले मैया तुम जानती नहीं ये दाऊ भैया दिखने में तो गोरा है लेकिन मन से बहुत ही काला है, ये भी इन सभी के साथ में मिला हुआ है। या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलदेव प्रभु ने आखिर कृष्ण का पक्ष क्यों नहीं लिया, बलदेव प्रभु तो कृष्ण सेवा के लिए ही आए हैं, उन्हें तो कम से कम कृष्ण का पक्ष लेना चाहिए था, उन्होंने क्यों कह दिया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तब मानो बलदेव प्रभु यहाँ क्रोधित हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण ने जब वरा अवतार लिया था उस समय पर पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया था। पृथ्वी ये अनंत देव, पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता है बलदेव प्रभु, ये पृथ्वी को एक सरसों के दाने की भांति अनंत देव के रूप में बलदेव प्रभु धारण करते हैं। बलदेव प्रभु मानो आज कह रहे हैं कि जब तुम वरा रूप में आए थे तब भी तुमने पृथ्वी को धारण करके और धूरी पर स्थापित किया, तब मुझसे अनुमति नहीं ली, जब तुमने वामन रूप धारण किया था तब दो पग के अंदर ही तुमने 14 ब्रह्मांड नाप लिया तब भी मेरे से तुमने परमिशन नहीं ली, आज जब कृष्ण अवतार में आए हो लड्डू पुआ तो सब मेरे साथ में खाते हो, घर घर माखन चोरी करते हो उसमें मुझे साथ में खिलाते हो, लेकिन ब्रज रज का आस्वादन कर रहे हो और वो भी अकेले अकेले, तो असली बलदेव प्रभु क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर उन्होंने भी मैया को शिकायत कर दी। अभी वल्लभाचार्य यहाँ पर कहते हैं कि भैया कृष्ण तो भगवान है, अगर भगवान होकर उन्होंने झूठ बोल दिया तब तो ये बहुत बड़ा दोष हो गया, भगवान ने झूठ बोल दिया तो फिर तो और लोग तो क्या सत्य बोलेंगे, तब क्या कृष्ण ने झूठ बोला, आप बताओ कृष्ण ने क्या झूठ बोला कि उन्होंने मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी तो खाई थी ना। तब तो इसके उत्तर में कहते हैं देखो कि खाना किसे कहते हैं, हमसे कोई वस्तु अगर पृथक रखी हो जैसे मेरे पास में एक सेब रखा हो, वो सेब मेरे से अलग है तो उसको यदि मैंने खा लिया तो खाना कहते हैं,
लेकिन कृष्ण जिस ब्रजरज का आस्वादन कर रहे हैं, कृष्ण के पेट में तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, तो वो ब्रह्मांड भी तो कृष्ण के भीतर ही है, तो उसको खाना खाना नहीं कहेंगे, उसको खाना खाना नहीं कहेंगे। दूसरी बात, कृष्ण यहाँ पर भगवान नहीं है, कृष्ण एक नर्वत लीला कर रहे हैं, एक लीला मात्र कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ माँ के भय से झूठ बोल देता है, ऐसे ही आज कृष्ण ने माँ के डर से झूठ बोला है, इसलिए ये झूठ भी नहीं कहा जाएगा। तीसरा यहाँ पर रीजन देते हैं कि कृष्ण कहते हैं ना हम भक्षित मानव, अर्थात ना अहम, मैंने नहीं। अगर ये संधि विच्छेद ना करो तो ये हो जाता है नाहम। नाहम का अर्थात होता है ब्रह्मांड। मानो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मैया तू मिट्टी की क्या बात करती हो, मैंने तो पूरा विश्व ब्रह्मांड अपने हृदय में धारण, मैंने अपने गर्भ में धारण कर रखा है। इस प्रकार वल्लभाचार्य इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि भगवान ने वहां पर झूठ नहीं बोला। अभी मैया ने शासन करके देखा, कृष्ण मनीमन सोच रहे थे अगर मैं मैया को बोल दूं एकदम कॉन्फिडेंस से झूठ बोलूंगा, अरे मिट्टी खाई होगी तो मुंह से तो खाई है, विश्वास नहीं करती हो तो मुंह खोल के देख लो, यदि सत्य गृहस्थ ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अरे मेरा मुख देख लो। तो मैया ने क्या किया, जोर से कृष्ण को धमक लगाई, और धमक लगाते ही कृष्ण का पट से मुख खुल गया। जैसे ही कृष्ण का मुख खुला, अब मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अगर मैया ने मुंह में मिट्टी देख ली, सारे डंडे पीठ पर ही पड़ेंगे, एक भी नीचे नहीं। तो कृष्ण की शक्ति योग माया, कहते हैं ना इच्छा जानी योग माया करे समाधान, लीला वेश प्रभु नहीं देहानुसंधान। कृष्ण तो अपनी लीला करने में मस्त हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति जो योग माया देवी है, वो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य कर लेती है। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं मैया से मार ना खाऊं। अभी लीला शक्ति ने क्या किया, कृष्ण के उस छोटे से मुख के अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। कितने विराट विराट पर्वत, कितने ही ब्रह्मांड, कितने ही ग्रह नक्षत्र, सब उस छोटे से मुख के अंदर। मैया देख करके आश्चर्यचकित हो रही है, ये आखिर मैंने क्या देखा, कितने बड़े बड़े पहाड़, नदियां और साक्षात गोकुल भी उसी के अंदर। मैया ने देखा कि स्वयं भी कृष्ण के कान पकड़े हुए और हाथ में छड़ी लेते हुए उस छोटे से मुख के अंदर, देखकर बड़ी भयभीत हो गई। हाय मेरे लाला को कोई आई बलाई लग गई ना, ये क्या काला जादू किसी ने किया, ये मैं क्या देख रही हूँ इसके मुख के अंदर, कहीं मेरे लाला भगवान तो नहीं है। बस ये बात मैया यशोदा के हृदय में आई थी, और कृष्ण अभी मन ही मन विचार करने लग गए कि अगर इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो मेरे लिए भी छोटा सा एक मंदिर बनाएगी, दो समय बताशे का भोग लगाया और गोविंद जय जय गोपाल जय जय घंटा हिला के मेरे भी पट्ट बंद कर देगी। अब मैं सखाओं के साथ में जितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूं वो मैं कैसे करूंगा। तो इसी वजह से कृष्ण ने क्या किया, वापस से उसी दृश्य को अदृश्य कर लिया। कहां मैया वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड देख रही थी, और कहां पर देखा वही छोटा सा मुख, उसके अंदर कुछ भी नहीं। यहां पर हमारे टीकाकार कहते हैं कि कृष्ण ने आखिर मिट्टी खाई तो खाई क्यों, इसके पीछे कई कारण बतलाते हैं, हम कुछ कारण श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। कहते हैं कृष्ण एक तो कारण हम सुन रहे थे कि ब्रजरज की महिमा स्थापित करना चाहते हैं, दूसरा कारण कह रहे हैं कि पृथ्वी का एक गुण है क्षमा गुण। आप देखो हम पृथ्वी पर जो कुछ भी करें, इस पृथ्वी पर हम मलमूत्र त्याग करते हैं, इस पृथ्वी को ऊपर खेती करके इसी से ही सारे हम वस्तु प्राप्त करते हैं, लेकिन ये पृथ्वी बहुत ही सहनशील है, पृथ्वी कभी भी किसी चीज का प्रतिकार नहीं करती। मानो कृष्ण भी आज इस सहनशीलता गुण को पृथ्वी से लेना चाहते हैं, क्योंकि परवर्ती काल में उन्हें भी असुरों का संहार करना पड़ेगा, अपने भक्तों की रक्षा करनी पड़ेगी, तो इसीलिए कृष्ण ने इस क्षमा गुण को लेने के लिए आज मिट्टी खा ली। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा कारण बताते हैं कि दांत का एक नाम है द्विज, द्विज मतलब जिसका दो बार जन्म हो, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं और दांतों का भी एक नाम है द्विज। पहले तो दूध के दांत होते हैं और वो टूटने के बाद में दांत दोबारा आते हैं ना, तो इसलिए दांतों को भी द्विज बतलाया। तो कृष्ण है कौन, कृष्ण है नमो ब्राह्मण देवाय व ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मणों के सेवक हैं कृष्ण, तो इसीलिए मानो आज ब्रजरज के द्वारा कृष्ण ने ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्रजरज को इन ब्राह्मणों को आस्वादन करवा रहे हैं, ये कारण बतलाया। तीसरा कारण बतलाते हैं कि पृथ्वी का एक नाम है रसा, रसा अर्थात जहां से सारे रस उत्पत्ति होते हैं। आप देखो करेले का बीज पृथ्वी में डालो, कड़वा होता है, करेले का पौधा उगेगा। अगर कुछ फल चीकू सेब ये सारे बीज डालो तो उसी का अनुरूप फल आएगा। तो चाहे तीक्ष्ण हो, चाहे कड़वा हो, चाहे कसैला हो, जैसा भी रस हो, सब रस हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं,
इसलिए पृथ्वी का एक नाम बताया रसा। कृष्ण अभी कुछ समय बाद में रासलीला करेंगे। रासलीला है क्या? रसा नाम समूह इति रासलीला। तो कृष्ण मानो रस का आस्वादन करने के लिए ब्रज रज का अपने मुख में दे दिया। इस तरह से अनेक अनेक संतों ने कई कारण बतलाए हैं इसके। विशेष करके यहाँ पर जो श्रवण करने वाली बात है, किस प्रकार द्वारका के परिकरों में और ब्रज के परिकरों में भेद है। यहाँ पर देखो बतलाते हैं कि आज गीता जयंती है ना, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र की भूमि पे, उस समय पर भी कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। कृष्ण पूरा विराट स्वरूप दिखाकर और अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन, जिसको तुम सूर्य कहते हो वो सूर्य मेरे अंदर में, जिसे तुम शंकर कहते हो शंकर मेरे अंदर में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, अरे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही परम तत्व हूं, देख सभी मेरे अंदर में विराजमान है। लेकिन जैसे ही कृष्ण का ये विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा था, वो भयभीत हो गए, डर गए। कहां पहले तो उनके सखा के समान व्यवहार करते थे कृष्ण और अर्जुन, एक दूसरे को सखा मानते थे, एक ही घाट पर सोना, एक ही थाले में खाना। लेकिन जब कृष्ण का ऐसा विराट स्वरूप देखा तो भयभीत होकर और चरणों में पड़ गए। शिष्यस्ते हम, प्रभु मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, कहां मैं आपको सखा कहता था, कहां मैं आपसे सारथी का कार्य करवा रहा हूं, आप मुझे माफ कर दो। उनका जो भी कृष्ण के प्रति प्रेम था वो प्रेम शिथिल हो गया, वो नीचे उतर आया। लेकिन मैया यशोदा को, मैया यशोदा ने भी तो कृष्ण के मुख में विराट ब्रह्मांड देखा, लेकिन उनका प्रेम शिथिल नहीं हुआ, उनका प्रेम और वर्धित हो गया। कहते हैं कृष्ण, उनका वात्सल्य प्रेम इतना बढ़ गया कि कृष्ण को कोई भूत तो नहीं लग गया कृष्ण के प्रति, और चिंता उनकी बढ़ गई। इसलिए ये दोनों के बीच में फर्क दिखा रहे हैं यहाँ पर, ब्रज भूमि है माधुर्य भूमि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए कृष्ण ने इस प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर अनेक अनेक लीलाएं करी है, और विशेष करके इन लीलाओं का उद्देश्य क्या है, बड़े ध्यान से इस बात को श्रवण करने की चेष्टा करो। कल भी हम सुन रहे थे कृष्ण का अवतार हुआ है अनेक अनेक कारणों से, लेकिन उसके अंदर एक विशेष कारण है, अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने ये सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है, ताकि भक्त मेरी इन सब लीलाओं को श्रवण करके और आकर्षित हो जाएं। कृष्ण ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करके हमें आकर्षित करने के लिए, कहां हम माया के संसार में फंसे हुए हैं, अगर कृष्ण की इन सुंदर लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनकी गुण महिमा को श्रवण करेंगे, तो हमारा पत्थर जैसा जो हृदय है वो भी द्रवीभूत होगा, और तब जाकर हमारे हृदय में भगवान का भजन करने की कुछ इच्छा होगी। प्रभु राम जब दंडकारण्य वन से पहले अहिल्या का उद्धार करे थे, उस समय पर अहिल्या को पत्थर के ऊपर चरण स्पर्श करवाया, चरण स्पर्श करवाते ही अहिल्या तो नारी बन गई और भगवत धाम को जा रही है, लेकिन प्रभु राम अंदर ही अंदर दुखी हो गए, हृदय में बड़ा खेद करते हुए कह रहे हैं कि ओहो ब्राह्मण स्त्री को चरण स्पर्श करवा दिया। तो उस समय पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने मन को शासन करते हुए कहते हैं कि इतना दुष्ट मन है हमारा कि जिस अहिल्या को चरण स्पर्श करवा के भगवान की गति प्राप्त हो गई, लेकिन प्रभु राम उसको स्त्री का चरण स्पर्श कराने से दुखी हो रहे हैं। अरे ऐसे भगवान का भी यदि कोई भजन ना करे तो उससे बड़ा पाषंड तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। तो भगवान की इन लीलाओं का उद्देश्य है हम सबको आकर्षित करके अपने भजन में लगाना। हम जो एक कथा करने आए हैं, प्राय नाच गान सब चीज हो रहा है, लेकिन इस कथा का मूल उद्देश्य यही है कि सभी भगवान के भजन में नियुक्त हो। भगवान का भजन यदि अपने जीवन में अपना लिया तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये कथा करना सार्थक हुआ है। लेकिन यहाँ पर सात सात दिनों तक आए, चार चार घंटे तक, तीन तीन घंटे तक बैठे भी, लेकिन अंतिम समय पे जो भगवान का नाम है उसको यदि अपने जीवन में ना अपनाया, भगवत भजन की जो शैली है उसे यदि ना अपनाया तो ये पूरा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए अभी तो हम आए हैं, काफी लोग हरिनाम भी लिए हैं, और भी जिन लोगों को हरिनाम लेने की इच्छा है, जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, हम लोग और दो दिन यहाँ पर है, कल एकादशी है कल, और भगवान गीता का भी हमारा जो मूल ग्रंथ हिंदुओं का वो गीता है, वो गीता जयंती है, इसलिए कल एकादशी अगर कोई माला लेकर के भजन करना चाहते हो हरिनाम, कल आप लोग आ जाना, हम तो यहीं पास में ही, आप लोग माला लेकर के भगवान की भजन करना, ठीक है, क्योंकि ये पूरी भागवत का सारे भगवान का नाम है। अगर ये पूरी कथा सुन करके अगर किसी ने प्रभु के नाम को ग्रहण करके भजन किया तो समझना ये कथा सुनना सार्थक कथा हुआ। पूरी रामायण कथा भागवत सुन ली, लेकिन भगवान का नाम ही तुम्हारी रुचि नहीं,
मतलब तुम यहाँ आए और गए, यहाँ से कुछ लिए नहीं, इस कान में सुने और इसी कान में निकाल कर यहाँ से चली गई हो, इसलिए तभी लाभ होगा है। हम तो चले जाएंगे लेकिन तुमको क्या मिलेगा? अगर ये नाम को अगर ग्रहण करते हुए भजन किया तो समझना ये कथा सुनने का हमारी सार्थकता हो गई। ठीक है, कल एकादशी है, कल एकादशी का दिन जो चाहते हो माला लेकर भजन करना, अब आकर के ले जाना सवेरे 7 बजे 8 बजे 9 बजे आकर के ले जाना। ठीक है, बोले से वृंदावन बिहारी। और एक अनाउंसमेंट है, देखो अभी तो क्योंकि सत्संग हो रहा है कंटिन्यूअसली दिमाग में हरिकथा कानों को सुनने को मिल रही है, इस वजह से हमारे हृदय में ये भाव आता है कि ठीक है भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे कुछ समय पर यदि सत्संग प्राप्त नहीं होता तो लोगों की ये भावना कम होती जाती है, माला फाला सब छूट जाती है, गली की कंठी भी उतर जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, हम जूम के थ्रू जहाँ जहाँ पर हम गए थे घरों में वहां पर तो मैंने अनाउंस किया भी था, हम लोग ऑनलाइन एक कोर्स करवाते हैं जिसके अंदर हरी कथा के माध्यम से सब सत्संग करते हैं जूम के थ्रू। आजकल तो प्रायः सभी के पास में स्मार्टफोन है, उसमें हम लोगों को मैसेज भेज देते हैं हमारे साथ जुड़ के, और वो लोग हफ्ते में एक बार क्लास होती है, सत्संग होता है, उसको श्रवण कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको कैसे भगवान का भजन करना है, क्या क्या सेवाएं होती है, उस सब के बारे में शिक्षा भी दी जाती है। हर एक व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर काउंसलर होता है, काउंसलर मैंने एक टीचर टाइप का, आपको एक हर एक व्यक्ति आपको पर्सनली मॉनिटर करेगा और आपको भजन में अग्रसर होने के लिए सहायता करेगा। जो लोग हमारे साथ इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो कथा के बाद में, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको एक फॉर्म दे दूंगा, आपको फिल कर लेना और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण, ताली बजाओ सबके साथ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। हाँ देखो कल एकादशी है, मैं पहले बता रहा था अगर कथा को बीच में एकादशी आ गए ना, समझना कथा में 4 चांद लग गए। कितना चांद लग गए? क्योंकि भागवत में केवल एकादशी की महिमा है, हैं भागवत में ये एकादशी की केवल महिमा की, इसलिए एकादशी व्रत आए तो समझो बहुत बढ़िया दिन है, बढ़िया हो गया। अब गए कि छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एकादशी व्रत की क्या महिमा है। बोले हमारे भारत में, ध्यान देकर सुनो, इधर उधर मत जाओ, तुम लोग भी बैठो सुनो, एकादशी कथा सुनोगे ना तुम्हारी एकादशी में निष्ठा होगी, चुपचाप बैठो और सुन लो, कहाँ जा रहे हो घूम रहे हो, बैठ जाओ सब, कहीं इधर उधर मत जाओ, बैठो। देखो हमारे पुराण में कथा आती है, हमारे भारत में एक राजा थे जिनका नाम था रुक्मांगद महाराज। अच्छे तरह से आप लोग याद करना ये कथा को, आप दूसरों को भी सुना सकते हो क्योंकि आपका तो कल्याण होगा, जिसको सुनाओगे उसका भी कल्याण होने वाले। इसलिए राजा का नाम क्या था, जोर से बोलो, इतना जल्दी भूल गए, रुक्मांगद महाराज। वो ऐसे हरि भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो तो स्वयं एकादशी व्रत रखते थे लेकिन प्रजाओं को भी कराया करते थे, और उनको ये नियम था मेरे देश में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, जो मेरे देश में एकादशी व्रत नहीं करेगा वो मेरे राज्य में रह ही नहीं सकता, राज्य से निकाल जाना पड़ता था। ऐसे विष्णु भक्त श्री रुक्मांगद महाराज हुई। एकादशी का मतलब क्या है, हम कहते ना 11 है, 11 से कहते ना 11 है, कहते हमारी 11 इंद्रियां हैं, कहते 5 कर्मेंद्रिया जिसको द्वारा काम करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिया जिसको द्वारा हम ज्ञान को आहरण करते हैं, और इनका जो राजा है कहते ये मन। जैसे मन ने कहा भागवत कथा हो रही है, चलो कथा सुनकर के आते हैं, फिर यहाँ पर आए, अगर ये मन बोलता अरे कथा सुनकर क्या होगा, आज टीवी में सीरियल आ रही, घर में बैठ करके देखो, फिर क्या होता, फिर आप लोग क्या यहाँ आते ही नहीं, घर में बैठ कर टीवी देखते, इधर उधर की बहू बेटी की बात करते। इसलिए जो मन है ना, ये सबके सब मेन ये मन है, इसलिए ये 11 से मतलब होता है ये 11 इंद्रियों को द्वारा भगवान की सेवा करना, ठाकुर की कथा सुनना, भगवान को दर्शन करना, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करनी 11 इंद्रियों के द्वारा। अभी वो राजा के राज्य में जितने प्रजा थे सबके सब एकादशी व्रत रखते थे, भगवान का कीर्तन भजन करते थे। अभी ये पाप तो दुखी दुखी हो गया, बोले ये पाप कहाँ रहता है, बोले जिस घर में ठाकुर का कीर्तन नहीं हो, भजन नहीं हो, जिस घर में एकादशी व्रत नहीं हो, उसी घर में ये पाप का निवास होता है।
लेकिन घर घर में तो कीर्तन प्रभु का भजन कर रहे हैं, पर पाप वहां कहां से आ सकती है। ये पाप दुखी होकर के ब्रह्मा के पास में गए, बोले प्रभु जी ऐसे एक राजा आया, खुद तो एकादशी व्रत रखता है, पूरा प्रजाओं को भी एकादशी व्रत रखता था, इसलिए मेरे कोई स्थान नहीं, नहीं तो मेरे को जान से खत्म कर दो, नहीं तो मेरे को मार दो, नहीं तो रखकर क्या लाभ है। भगवान बोले कोई चिंता, ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता नहीं, इसका मैं व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी ने एक सुंदरी लड़की जन्म दिया जिसका नाम थी मोहिनी। सचमुच से वो देखने में इतने सुंदरी थी, ये मरते जगत में इतनी सुंदरी होती नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी उसका नाम रख दिया मोहिनी। बोले पिताजी बताओ क्या आदेश है। बोले ये रुक्मांगद महाराज ये रोज ये जंगल में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, आप उसको मुग्ध करो, इनके घर में तुम रानी बन करके जाओ। अब ये एकादशी व्रत राजा रखते ही एकादशी व्रत को नष्ट कर दो। बोले ठीक है, राजा जंगल में गए। जब जंगल में गए अभी राजा को बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, वो पानी ढूंढते ढूंढते एक ऋषि थे बामदेव, अभी वो ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। जब ऋषि के आश्रम पर पहुंचे ऋषि से पानी पिए, ऋषि इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले महाराज आपको पता है आप पूर्व जन्म में कौन थे। बोले नहीं। बोले आप पूर्व जन्म की कथा सुनो, देखो एकादशी की कितने महिमा, अनजान में भी एकादशी व्रत करोगे तो कितना लाभ है। बोले पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, आपकी जो रानी है ना वो एक वेश्या ये शूद्राणी थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी वो जो वेश्या थी, आप उसको प्रेम में एकदम पागल थे, जब वो चलती थी आप भी चलते थे, जब वो बैठती थी आप भी बैठते थे, वो जब खाती थी आप भी खाना खाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो था एकादशी का दिन, लेकिन आपको पता नहीं था आज ये एकादशी है। उसी दिन वो जो शूद्राणी वेश्या को बड़ी तेज बुखार आई, बुखार आने पर उसने भोजन नहीं की ले तो, लेकिन ये तो बड़ा आसक्त था उसको ऊपर में, इसने भी दुखी होकर के भोजन नहीं किया। अभी क्या हुआ, ये दोनों का निर्जला एकादशी हो गया, पता नहीं था ये एकादशी है, लेकिन दोनों का अनजान में निर्जला व्रत हो गया। जो निर्जला व्रत हो गया महाराज, आप जो एक निर्जला एकादशी व्रत आपने रखा था वो शूद्र जन्म से अभी देश का राजा बनकर के आए, वो जो शूद्राणी थी वही शूद्राणी अभी आपकी पटनाणी बनकर के आई। राजा बोले इतने महिमा, एक एकादशी को अनजान में भी कर दो इतने महिमा, जैसे आग है, कोई छोटा बच्चा पता नहीं ये आग अगर हाथ मारेगा तो क्या, लगाएगा तो क्या, हाथ जलेगा कि नहीं, ना अग्नि इसको छोड़ देगी, छोड़ेगी नहीं ना, जैसे जहर है आपको पता नहीं ये जहर अगर खा लिया तो क्या होगा, बोलो उसका रिएक्शन होगा कि नहीं, होगी। इसलिए जो एकादशी व्रत है ये भगवान विष्णु भगवान कृष्ण राम की व्रत है, ये ठाकुर जी का व्रत एकादशी है, जैसे कोई सोम कोई मंगल कोई बृहस्पति कोई कोई अलग अलग व्रत करता हो, ये अलग अलग देवा देवी के लिए ये अलग अलग व्रत है। लेकिन बताओ कितने देवता को खुश करोगे, जगत में तो 33 करोड़ देवता, एक को मनाओ दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगी, लेकिन ये भगवान कृष्ण ऐसे के देवता ही है, कितना जा पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, ये एकादशी व्रत भगवान कृष्ण का व्रत है। अगर एक एकादशी आप अगर ये एकादशी व्रत रखे ना, आपको कोई भी व्रत रखने का जरूरत नहीं, कोई भी व्रत रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि जब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ना सबके सब अपने आपको घर में ये सबके सब प्रसन्न हो जाएंगे, इतने शक्ति एकादशी व्रत की। इसलिए भागवत को पढ़ करके देखो इसमें कोई व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी कथा है, जिसको नंद जसोदा करते थे जिसको अम्बरीश महाराज करते थे, केवल एकादशी कथा है। आप बताओ ये ग्रंथ किसने लिखी है, व्यास देव ने। ये जितने बार व्रत को बार में कितने बताया, किसने बताया, व्यास देव। लेकिन उन्होंने ये सारे व्रत को लिख करके रचना करके शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत ग्रंथ लिखे तब शांति मिली। मतलब क्या है, अगर शांति से कुछ चाहते हो तो एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत की रखो, इसी से ही शांति से को मिलेगा। क्यों, इसको जरा ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। देखो क्या हुआ, अभी जब उनको ये बात बताए पहले जन्म में तुमने अनजान में एक एकादशी व्रत रखने का वजह से अभी राजा रानी बन करके आपने जन्म हुए, और इतना जो निष्ठा एकादशी में कारण किया है, पहले जीवन में एकादशी व्रत रखा था,
राजा को इतने विश्वास हो गया, बोले एक एकादशी व्रत की इतने महिमा। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, मोहिनी से मिले, सचमुच से इतनी सुंदरी होती, उसकी तेज से पूरा जंगल उजाला उजाला हो रहा था। राजा बोले तुम्हारी नाम क्या है? बोले मोहिनी। बोले सचमुच से तुम मनमोहिनी हो, बड़ी तो सुंदरी, लेकिन तेरे को देखने से पता चलता अभी तो कुंवारी हो, तुम्हारी कोई पति नहीं। बोले हाँ पति नहीं है। बोले मैं जैसे सुंदरी ऐसे सुंदर किसी पुरुष को ढूंढ रहा हूँ। बोले देख ये देश का मैं राजा हूँ, मेरे से शादी करोगी? वो तो इसलिए आई थी। बोले शादी तो करूंगी लेकिन ये शर्त पर। बोले क्या शर्त है? बोले जब मैं जो कुछ बोलूंगी आपको मानना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, साधारणी बनोगे। फिर राजा शादी करके जब आए, लेकिन ये पहले पहले राजा है ना बहुत शादी करते थे, जैसे सिर्फ दशरथ महाराज, इनकी कितने पत्नी थी? दशरथ महाराज की कितने पत्नी थी? अरे बोलो कितने, कौन कौन थी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, उनकी ये तीन रानी थी, हैं? इनके ही तीन रानी थी। पहले राजा लोग बहुत शादी करते थे, हैं? और जो जितने शादी करते थे राजा का उतना ही महिमा बढ़ता था। क्यों? बोले इतने रानियों को वो पाल रहे हैं, उतना महिमा बढ़ती थी राजाओं की। इसलिए राजा पहले शादी किए थे, उनकी घर में एक बेटा था जिसका नाम था धर्मांगद राजा, वो धर्म स्वरूप। राजा जब और एक पत्नी को लेकर के आए, उनको दूसरी रानी उनको स्वागत की, बेटा स्वागत की। अभी वो रानी इतने सुंदरी, इतने सुंदरी, राजा जब से शादी करके लाए ना तब से सारे राजकार्य भूल गए। दिन भर रानी को साथ में राजा दिन बिताते हैं, सब भूल गए। इतने में लेकिन वो मोहिनी क्यों आई? कारण क्या है? ये एकादशी व्रत को नष्ट करने के लिए आई। इसने गुप्त रूप में छुपा करके उन्होंने ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण को बुला करके बोले देखो एक काम करना पड़ेगा। बोले बोलो। बोले राजा अगर पूछे किसको एकादशी व्रत रखनी चाहिए, ये शास्त्र की बात को बताना नहीं, शास्त्र बात को छुपा देना है, और मन गढ़ा तो कुछ बात को कुछ बोल देना। बोले कोई चिंता मत करो, आप कोई चिंता मत करो। इतने में जैसे कल एकादशी आज दशमी, वो राजा का राज्य में नियम था एकादशी से एक दिन पहले पूरा राज्य में ढिंडरा पिटवा देते थे। बोले सावधान, सबके सब सावधान होकर के सुना, कल एकादशी व्रत है, राजा का निर्देश है, जो एकादशी व्रत नहीं करेगा राजा का राज्य में उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। इतने में रानी राजा से पूछे, बोले महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे हैं? बोले देखो रानी, मेरे राज्य में एक नियम है, सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता है, जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो मोहिनी तो एकादशी नष्ट करने के लिए आई थी। बोले ये किसी ग्रंथ में है ना? अपने मन गणत इस बात को बता दिए। बोले नहीं शास्त्र में। बोले बताओ कौन सा शास्त्र में है? लेकिन राजा तो शास्त्र पढ़ते नहीं थे, राजा तो शास्त्र नहीं पढ़ते थे। प्रभु जी सबको उठा कर कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो सबको उठा कर? सजाएंगे। पहले कथा सुन लो फिर सजाने के लिए ले जाएंगे। असली चीज तो सुन नहीं रहे, सजाने लग गए सबके साथ। हाँ सबको से बैठ कर कथा सुन, मैं अपने आप भेज दूंगा। हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी क्या हुआ? इतने में राजा बोले मेरे राज्य में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ता है। बोले एकादशी फेकादशी कहां से ले आए? कुछ संस्कार कहीं शास्त्र ग्रंथ में है ना? अपने आप मनगढ़ंत बता रहे हैं। राजा तो ग्रंथ पढ़ते नहीं। ब्राह्मण से पूछे, बोले भैया वेद पुराण लेकर के आओ, कहां एकादशी कथा बताओ। लेकिन उनको पता नहीं था पहले रानी उनको पटा करके रखी, हाँ झूठ मूठ बात बता देना। इतने में ब्राह्मण लोग आ करके वो पैसा लोग से किया किया उन्होंने शास्त्र बात को छुपा दी। बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सबके एकादशी करने का, जो बूढ़ा बूढ़ी हो गई इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं एकादशी व्रत रखने का। राजा बोले तुम लोगों तो अभी तक ये बात नहीं बताए, तुम बोलते थे भागवत में स्वयं मैया जसोदा एकादशी व्रत रखती थी, नंद बाबा ने एकादशी व्रत रखे, इनके घर में संतान नहीं था, एकादशी व्रत करने पर पुत्रता एकादशी किए तो कृष्ण
घर में पुत्र रूप में आए, आप ही तो बोलते थे। भागवत में अम्बरीश महाराज, आप लोग कभी कथा सुने होंगे, संपूर्ण पृथ्वी को पर जो राज्य तो करते थे, वो एकादशी व्रत पत्नी को साथ में मथुरा में रखते थे। दुर्वासा ऋषि आए तो इतनी एकादशी की महिमा, जिनकी सुदर्शन चक्र सोयर व्याख्या करता था, क्योंकि एकादशी व्रत रखते थे। जब दुर्वासा जी उनको मारने के लिए जटा को उखाड़ करके राक्षस को प्रकट की, सुदर्शन चक्र आकर राक्षस को मारे, फिर दुर्वासा को पीछे भागे, दुर्वासी को ब्रह्मा लोग ले गए, ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किया, उन्होंने शिव लोक में ले गए, शिव भी रक्षा नहीं किए, लास्ट में उन्होंने वैकुंठ तक भी ले गए, भगवान विष्णु भी इनको रक्षा नहीं की, लास्ट में उनको अम्बरीश के चरण में माफी मांगना पड़ा। रुक्मिणी सत्यभामा पूर्व जन्म में एकादशी व्रत रखती थी, इसलिए ठाकुर जी को उन्होंने पति रूप में ठाकुर जी को उन्होंने प्राप्त किया है। आप तो इतने एकादशी कथा सुनाया करते थे, आज तो आपने सब कुछ भुला दिया। आप कह रहे हो नहीं, कोई जरूरत नहीं एकादशी व्रत रखने का। अब बोलते थे एकादशी व्रत का दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहते। आप तो इतने इतने सारे बात बताते, इतने भूल गए, अपने ढक दिया कैसे। राजा बोले देखो मेरे देश में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा, जो नहीं रखेगा मैं इसको राज्य से निकाल दूंगा। मोहिनी बोली महाराज आपको याद होगा, शादी से पहले मैंने क्या आपसे प्रतिज्ञा क्या कराया था, मैं जो बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा। आप बोले हाँ बोले थे ना, बोले हाँ, बोले मैं बोलता हूँ आप सुन नहीं रहे हो, मैं कहती हूँ एकादशी व्रत मत रखो आप गधे रखो। बोले नहीं हमारी राज्य में तो एकादशी व्रत रहेगा। बोले फिर तो मैं जा रही हूँ। बोले जाना तो तू जा, लेकिन मेरे एकादशी रहेगा। लेकिन उसका जो बेटा था ना वो धर्म स्वरूप था, उसका नाम ही धर्मागध था, वो धर्म स्वरूप था। इतने में छोटी माँ के चरण में गिरी पड़ी, बोले माता जी आप मत जाएगा। उनको पता पिताजी इतने आसक्त उसको प्रति, क्योंकि देखने में बड़ी सुंदरी थी, बोले अगर ये चली जाएगी पिता दुखी, ए बेटी चुपचाप बैठो। इसलिए उन्होंने इतने सुंदरी थी, जब से उन्होंने शादी करके लाए ना तब से सारे राज्य कार्य को भूल बैठे, दिन भर उसको साथ में राजा पड़े रहते थे। बोले अगर ये छोटी माँ चली जाएगी फिर पिता बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए बोले माता जी हम तो एकादशी व्रत रखेंगे, लेकिन इसकी विनिमय में आप जो मांगोगे सो देने के लिए तैयारी। बोले दे सकते हो, बोले मांगो। बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तुम्हारे सर को काट करके हमें दे दे फिर तुम्हें रह सकते। एक ही बेटा जो भविष्य में राज सिंहासन को संभालेगा, अगर वो बोले उसका सर काट करके हंसते हंसते दो, पिता माता काट सकते हैं? असंभव है। राजा बोले तू स्त्री ना कोई डाकी नहीं, कोई हाँ कोई प्रेतात्मा तू हो, अपना बेटे को पिता माता हंसते हंसते सर काट कर सकते कभी हैं? तुम चंडाल ही नहीं लगता है, भाग जा मेरे राज्य से, कोई जरूरत नहीं हमें। लेकिन बेटा बोले देखो कैसे बेटा होनी चाहिए। बोले पिताजी ये शरीर आपसे हमें मिला है, हमारे कर्तव्य पिता माता की सेवा करनी चाहिए, एक दिन तो मरना ही हमें। लेकिन अगर पिताजी की सेवा के लिए अगर ये शरीर को दे सकते हैं और हमारे राज्य में एकादशी व्रत रहेगा, ये एकादशी व्रत ठाकुर जी का व्रत है, कितने भाग्य से एकादशी व्रत रहेगा। पिताजी आप कोई चिंता मत करो, एक दिन मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये शरीर से पिताजी की सेवा ठाकुर की एकादशी सेवा हो, मेरे सर को काट करके दे दो। जब काटने के लिए जा रहे थे ना साक्षात वैकुंठ से ठाकुर प्रकट हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। बोले रुको रुको आ करके, बोले हे धर्मागत, हे रूपमागत, तुम लोग परीक्षा में पास हो गए, मैं परीक्षा कर रहा था मेरी एकादशी का व्रत तुम्हारी कितने निष्ठा है, इसलिए मेरे व्रत के लिए अपना सबसे प्यारा बेटा, तुमने बेटे को तुमने त्याग दे दी, वैकुंठ से रथ तैयारी, रथ में बैठो सीधा मेरे धाम में वैकुंठ में चलो। बोले धर्मांगत तुम अपना शरीर देने के लिए तैयारी हो गए हो, इसलिए मैं प्रसन्न हूं, ये राज्य में तुम राज्य तो करो, तेरे लिए भी वैकुंठ से रथ आएगा, तू भी मेरे पास में आ जाना। दोनों को वैकुंठ भेज दिए, लेकिन वहां पर जो पाप था ना वो दुखी हो गया। बोले प्रभु मेरे को तो कहीं स्थान दो, तो देखो ठाकुर जी क्या बोले। बोले एकादशी का दिन ये अन्न में ये
एकादशी का दिन अन्न में तुम निवास करोगे। जो व्यक्ति एकादशी दिन अन्न भोजन करते हैं, हाँ, जैसे दाल चावल गेहूं, क्या तुम अन्न में रहोगे? जो व्यक्ति ये अन्न भोजन करेगा वो पापी बनकर सीधा नरक जाएगा। अभी देखो और एक चीज को समझो, वो जो मोहिनी थी बोले मेरी क्या स्थान हुई, मैं जो इतना पाप कर्म की। देखो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, बोले एकादशी कभी कभी देखना एक आती है और कभी कभी एकादशी दो आ जाती है। जैसे कल जो एकादशी है महाद्वादश, अगर ये एकादशी अगर द्वादश में मिल जाती है ना, वो एकादशी का विशेष महत्व होता है। ये कभी कभी आती है लेकिन ये प्राय करके एक एकादशी आती है। इसलिए बोले देखो जैसे आज भी एकादशी, एक चीज को समझो, फिर हम कल क्यों कर रहे हैं? कारण क्या? बोले कारण है जब सूर्य उदय हो, सूर्य उदय जिस समय हो, अगर उसी दिन अगर एकादशी हो उसी दिन, पर सारा दिन उसको एकादशी मानी जाए। अगर जब सूर्य उदय हुआ उसी समय एकादशी नहीं, जैसे आज सूर्य जब उदय हुआ इधर के लिए बंगाल उड़ीसा के लिए आज है, लेकिन इधर का सूर्य उदय उधर का सूर्य उदय में फर्क है। आज जब सूर्य उदय हुआ उसी समय में आज एकादशी थी नहीं, लेकिन सारा दिन आज एकादशी, लेकिन सूर्य उदय का दिन एकादशी थी नहीं, इसलिए आज का दिन को एकादशी मानी नहीं जाएगी। लेकिन कल जब सूर्य उदय होगा एकादशी है, इसलिए कल सारा दिन उसको एकादशी मानी जाएगी। इसलिए वो द्वादश में जुड़ जाने पर वो एकादशी को विशेष विशेष महत्व मानी जाती। कल द्वादशी युक्त एकादशी है। इसलिए बोले देखो जो व्यक्ति ये दशमी विधा, दशमी विधा मतलब जब ये दशमी से ये एकादशी जुड़ जाती है, विधा मतलब भेद करना, फिर वो दशमी विधा एकादशी अगर कोई करेगा ना, उसका फल उसको नहीं मिलेगी, वो फल मोहिनी मिलेगी, वो फल को मोहिनी को मिलेगा, करने वाले व्यक्ति को वो एकादशी फल नहीं मिलेगा। इसलिए कल जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए कल एकादशी की विशेष विशेष महत्व कल, ठीक है ना? इसलिए जो एकादशी व्रत इसकी विशेष विशेष महत्व। देखो और एक चीज को समझो अच्छे तरह से, जो थोड़ी लिखे पड़े हैं थोड़ी, ये ऋषि मुनियों ने जो जो ये विधि विधान रखा है ना एकादशी व्रत, अब कोई बोला अरे एकादशी एकादशी क्या होता है, नहीं, ऋषि लोगों ने जो जो चीज रखे है ना वो सबके सब साइंटिफिकल कुछ रीजन है, उसमें कुछ साइंस है, ऐसे नहीं रख लिया। आप बोलोगे एकादशी में क्या साइंस, जो थोड़े लिखे पड़े अच्छे तरह समझो, दिमाग में बैठा दो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी। अच्छे तरह समझो, दूसरों को भी समझाना। देखो ये शरीर एक मशीन है, कोई भी मशीन को आप अगर कंटिन्यू चलाओगे ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फैन हो जैसे यहाँ मशीन चल रही है, अगर ये 24 हर समय चलती रहेगी ना फूक जाएगी, इसलिए अगर बीच बीच में इसको थोड़ा रेस्ट दे करके चलाओ वो मशीन ज्यादा दिन चलेगी। ये शरीर भी मशीन, जैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, संडे को छुट्टी रहती कि नहीं? अभी तो जो शहर में दो दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे दो दिन छुट्टी। बोले क्यों छुट्टी क्यों, 7 दिन बच्चे पढ़ाना बढ़िया पड़ेगा। बोले नहीं पढ़ेगा नहीं, वो पागल हो जाएगा। जैसे प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे हैं, जैसे स्कूल में 8 पीरियड है लेकिन बीच में एक रिसेस खेल छुट्टी होता है। बोले क्यों, ये माइंड एक मशीन है, अगर आधा घंटा उसको फ्री दे दो ना वो माइंड फ्री हो जाती है, फिर वो चीज को कैच करती है, हैं? इसलिए देखो संडे को ऑफिस भी छुट्टी रहता है, सब छुट्टी रहती है संडे को। कारण क्या है, थोड़ी सी विश्राम के लिए। इसलिए ये शरीर भी एक मशीन है, अगर बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे शरीर में क्या होगा, ये शरीर ज्यादा दिन तुम्हारी नहीं जाएगी, ये बीमारी पड़ जाओगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने बोले भैया कम से कम 15 दिन में उसको तो थोड़ा विश्राम दो, बकरी जैसे मुंह तो मत चलाया करो, उसको तो 15 दिन में एक बार इसको रेस्ट तो दो शरीर को। इसलिए आप कभी कभी देखना जो जो योगा करते हैं ना, आप देखना वो कहते 16 घंटा कम से कम कहते शरीर को उपवास दो, जो टॉक्सिन निकलेगा जो गंदगी रह जाती है वो गंदगी को निकालने के लिए एनिमा फेनिमा क्या क्या दे कर उसको साफ करते शरीर को। इसलिए ऋषि मुनियों ने बोले 15 दिन में विश्राम दो। अभी प्रश्न होता है क्यों हम एकादशी का दिन शरीर को क्यों रेस्ट दे, भैया और भी तो किसी दिन रेस्ट दे सकते हैं। ये चीज को समझो, एकादशी का क्या महत्व है। आप लोग तो समुद्र के पास में कोई नहीं रहते, हम हमारी जो देश है वो समुद्र के पास में उड़ीसा में, समुद्र में एक जुहार भट्टा होता है, जुहार मतलब होता है पानी हाई टाइट होता है, ये पानी उफनती है और पानी घटती है। क्यों घटती है, जो चंद्रमा है
ये चंद्रमा ये पृथ्वी को आकर्षण करता है, ये पृथ्वी चंद्रमा को भी खींचती, दोनों दोनों का आकर्षण करते हैं। लेकिन ये कब आकर्षण, चंद्रमा देखना एकादश से लेकर पूर्णिमा तक ये चंद्रमा बढ़ती है, ये कला ज्यादा बढ़ती है, इसलिए ये चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षण करती है, लेकिन पृथ्वी तो खींच नहीं सकती, इसलिए इसका प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर। जो समुद्र के पास में रहते हैं देखना, वो पानी जब एकादश से लेकर पूर्णिमा तक बड़ी बड़ी उसमें ढेर लहरी आती है, पानी बहुत उफनती है, लेकिन पूर्णिमा बाद में जब चंद्रमा धीरे धीरे घटने लग जाती है, फिर समुद्र धीरे 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 शांत हो जाता है, समुद्र धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए जो हमारी जो शरीर है ना, ये पांच चीज से हमारे शरीर बना हुआ। कितने चीजों से, कौन बोलेगा क्या क्या शरीर में पांच चीज है, कौन बोलेगा बोलो, पांच चीज क्या क्या शरीर में, जो लिखे बड़े बोलो भैया क्या क्या शरीर में पांच चीज है, बोलो वायु, बोलो जोर जोर से। हाँ, इसलिए कहते इसमें पांच चीज, जैसे इसमें मिट्टी, वायु, अग्नि, जल और आकाश, ये पांच चीज ये शरीर में। आप बताओ इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज, पांच चीज में सबसे ज्यादा क्या चीज, पानी, कितना परसेंट से बोलो, 70-75% इसमें पानी। ये पानी होने का नाते क्या होता है, जब चंद्रमा बढ़ती है इसकी कला, ये शरीर के ऊपर में प्रभाव पड़ता है। आप लोग ध्यान करके लिखना, जिसकी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई बीमारी, आप देखना एकादश दिन थोड़ी सी ज्यादा दर्द होगा, अब खुद देख लेना, द्वादश में ज्यादा दर्द होगा, पूर्णिमा में तो इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते, क्यों, इसका प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर में, हैं? इसलिए आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, लक्ष्य करके देखना ज्यादा बीमारी कब आते हैं, एकादश से पूर्णिमा। आप किसी शमशान के पास में जाओ, कितने कब ज्यादा लोग मरते हैं इसको देखना, एकादश से लेकर पूर्णिमा को ज्यादा दिन मरते हैं। देखना जो खून खराब होती है, लड़ाई झगड़ा, अब ध्यान लगा कर देखना, वही एकादश से पूर्णिमा तक। कहते माताओं को अंदर में चिड़चिड़ा बने हुई है, वही एकादश से लेकर पूर्णिमा तक होती है, हैं? कारण है ये जो चंद्रमा की प्रभाव पड़ता है, इसलिए एकादशी का दिन पड़ता है शरीर को प्रभाव। इसलिए कहते जो अन्न है, अच्छी तरह समझो, जो गेहूं है, चावल अगर खाए, गेहूं आए उसमें ज्यादा पानी है। अब गेहूं खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, आप देखना थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगा, प्यास लगती कि नहीं, लेकिन अगर आप फल खाओ ना, प्यास लगेगी, वो लगेगी नहीं, वो प्यास नहीं लगेगी। इसलिए बोले भैया एकादशी का दिन क्या खाने के लिए बोले, एकादशी का दिन बोले ये चावल गेहूं को मत खाओ, क्यों, जितना खाओ वो उतना पानी मांगेगा, वो जितना पानी मांगेगा शरीर में जितने पानी जाएगी उतना तुम बीमारी में पड़ोगे। इसलिए कितने बड़े साइंस इस चीज को समझो। इसलिए बोले क्या खाने के लिए, बोले फल मूल खाने के लिए बताया, क्योंकि वो पानी उसको खाओ तो वो पानी नहीं मांगता है, वो पानी नहीं मांगता है, इसलिए ये सब चीज खाने से क्या होगा, बोले पाप होता है। लेकिन ये पाप होने पर फिर क्या होता है, हम कहते ना फिर दवा लेते हैं, उसका नाम मेडिसिन, क्या नाम कहते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन मेड इट सीन, सीन मतलब होता है पाप, टेरामाइसिन, क्रोसिन, देखना इसे मेडिसिन का भी नाम यही है, सीन मतलब होता है पाप, ये सब बीमारी बीमारी क्यों होता है, बोले पाप से होता है। इसलिए हम सब के सब ये क्या करते हैं, ये सीन 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 शब्द, मतलब इसमें बहुत बड़ा साइंस इसके अंदर में। इसलिए ऋषि मुनि ने बोले देखो बीच बीच में शरीर को रेस्ट दो, हम सोमवार भी हो मंगलवार हो उसमें जो करते हो, लेकिन विशेष करके ये एकादशी की विशेष महत्व है। इसलिए आप लोग क्या करना, जरूर ये एकादशी व्रत करना, इसके द्वारा श्री भगवान जी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, अगर भगवान प्रसन्न हुए तो सबके सब मंगल ही मंगल होता है, ठीक है। इसलिए कल एकादशी व्रत है, देखो भागवत में एकादशी व्रत करने का बहुत महत्व है, कल कोई भी अन्न नहीं खाना, कल अन्न नहीं खाने का, कल क्या यहाँ पर कुछ प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हो, हाँ सभी के लिए एक काम, जैसे फलाहार है ना, उसमें जैसे केले हो, सेब हो, और एक सब्जी जैसे आलू, पपीता, काशी फल देकर के सब्जी बना दें, ज्यादा करके सब्जी बना देंगे तो सबके सब यही प्रसाद पा सकते हो, ठीक है। थोड़ा अगर मखाना व मूंगफली हो, थोड़ा फल अगर कर देंगे सबके सब यही, सबको कल प्रसाद यही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको भूख लगता है 12 बजे तक कोशिश करना कुछ नहीं खाने के लिए, शरीर को थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए। अगर आप पूरा अगर नहीं खाओगे शाम को लोगे तो बहुत ज्यादा पुण्य है, लेकिन अगर कम से कम ज्यादा भूख लगे तो कोशिश करना
बार बजे तक कुछ नहीं खाने के लिए, ये शरीर को थोड़ी सी रेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसको बाद में जैसे फल खा सकते हो, दूध दही खाने के लिए, तो ड्राई फ्रूट बहुत खाने के लिए, आलू की सब्जी खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, चिंता मत करो। बल्कि हमारी मंदिर में ना कब एकादशी जब व्रत आता ना, भक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि रोज वही दाल सब्जी खाते हो, एकादशी का दिन कभी फ्रूट क्रीम बना देते हैं, कभी बन जाती है, कभी फल है, कभी कुट्टू का पकौड़ा बना देते हैं, एक मखोना मूंगफली खाने के लिए दूसरे दिन बहुत सारी चीज है, समझ रहे हो। इसलिए कल सबके सब क्या करना है, क्या करोगे, कल से भागवत कथा में एकादशी का बड़े महत्व है, और जो लोग पहले करती हो बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। कौन कौन एकादशी पहले रखती हो, इनके लिए ताली बजाओ, कम से कम ये माताओं ने भागवत को पालन करते हैं। और जो नहीं रखे हैं, कल कोशिश करना कल से एकादशी व्रत को करने के लिए। आप लोग अगर इनको साथ में जूम में अब जुड़ोगे ना, अब फोन नंबर दे देना आपको, एकादशी कब है और उसका व्रत कैसे खोलनी है हम कल बता देंगे। कल जो व्रत, परसों हम व्रत खोलेंगे, व्रत जो खोलने का नियम है कुछ अन्न मुंह में डाल देने पर वो व्रत खोली जाती है, ठीक है। कल हम बताएंगे कितने से कितने बजे तक अंदर में आपको अन्न लेनी चाहिए। बोले श्री एकादशी व्रत की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हाँ, आज श्री गिरिराज की विशेष आज पूजा है, आज गिरिराज की अभी हम कथा सुनेंगे। गिरिराज की कितने महिमा है, जब भगवान कृष्ण ये जगत छोड़कर गए हम लोगों के लिए, केवल तीन चीज जगत में छोड़कर गए हमारे कल्याण के लिए। पहला नंबर है गिरिराज गोवर्धन, दूसरा नंबर में श्री यमुना पटरानी, और जो तीसरा है ये ब्रजधाम। ठाकुर जी हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ये तीन चीज को छोड़ कर गए। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि जो गिरिराज गोवर्धन है ये कौन है, बोले ये सर्व अभीष्ट प्रदाता, ये समस्त इच्छाओं को गिरिराज जी पूरी करते हैं। कौन कौन गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए, आप लोग ज्यादा नहीं गए, दो चार व्यक्ति गए, आपको कोशिश करेंगे हम सबको आपको ले जाने के लिए गिरिराज, ठीक है। कभी जाकर गिरिराज की परिक्रमा जरूर लगाना, जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं कहते ठाकुर जी अब सज धज कर आए कि नहीं, थोड़ा टोपी पहन लेना, आप ही हो तो टोपी पहन लेना, ऊपर में थोड़ा बढ़िया चादर डाल देना आप। आज आज अब किसको कृष्ण बना रहे हैं, किसको, हाँ ठीक है, और ठीक है, और इनकी इनकी घरवाली कहाँ है, आपको पत्नी कहाँ है आपकी, माता जी आप बैठी हो, ठीक है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अरे जोर से बोलो, जो जितने जोर से गिरिराज की जय कर देगा उसको उतना ही जय होगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की, अभी लग रहा है कुछ ताकत आई। हाँ देखो गिरिराज की, इनको एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब समस्त इच्छाओं को ये गिरिराज गोवर्धन पूरी करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी उसको पीछे 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 ठाकुर जी चलते रहते हैं, इतने कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा, उसको जो कुछ मांगता है गिरिराज जी समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते श्री गिरिराज गोवर्धन हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा कलयुग में, गिरिराज की बड़ी महिमा। कल मैं बता रहा था ना गिरिराज की जो शिला है, जितने शिला के ऊपर शिला रख लो ठाकुर जी उतना मंजिल मकान कर देते हैं ठाकुर जी, इतने महिमा गिरिराज की है। इसलिए जो लोग गिरिराज गए होंगे देखे होंगे कैसे शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ, कोई साष्टांग पर साष्टांग कोई प्रणाम करते हुए परिक्रमा करते हैं, कोई दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं, कोई व्यक्ति पूरा पैदल में लगा लगा कर परिक्रमा करते हैं, कोई कोई व्यक्ति तो आप देखोगे एक एक जगह पर, आप देखोगे एक एक जगह पर 108 बार पूरा साष्टांग लेट करके एक एक जगह में 108 बार ऐसे एक जगह पर प्रणाम करते हुए पूरी गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। क्यों, गिरिराज समस्त इच्छाओं को गिरिराज पूरी करने वाले, इसलिए इनका नाम गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या है, समस्त पर्वत में जो सर्वश्रेष्ठ है, हैं
बोले ये गिरिराज आए कहां से, इसकी कथा सुन लो। बोले एक समय गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण श्री राधा रानी को कहते, बोले राधे मेरे साथ में तुमको चलना पड़ेगा। बोले कहां? बोले मैं मरते जगत में जाऊंगा, मेरे साथ में चलना। राधा रानी बोली मैं नहीं चलती। बोले क्यों? बोले जहां पर गिरिराज नहीं, जहां पर यमुना पटरानी नहीं, जहां पर नंदगांव बरसाना नहीं, मैं वहां नहीं जाती हूँ। कृष्ण बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं नीचे उतरूंगा, ये संपूर्ण ये गोलोक वृंदावन को साथ में ले चलूंगा, पूरी के पूरी। तेरे पिता माता तेरे सखियां भी चलेंगे, मेरे पिता माता मेरे सखा लोग भी चलेंगे, ग्वाल बाल। राधा रानी बोली फिर तो मैं चलूंगी। इसलिए गिरिराज आए कहां से? गोलोक वृंदावन से ही, मरते जगत में हमारी कल्याण करने के लिए गिरिराज आए। इसे जब गिरिराज वहां से प्रकट हुए, कहते ये विंध्याचल, वहां पर उन्होंने पर्वत रूप में प्रकट हुए, जिनकी पिता माता का नाम द्रोण और धरा, इनकी बेटे बन करके श्री गिरिराज जी प्रकट हुए। जब प्रकट हुए जितने स्वर्ग में देवता थे सबके सब पुष्पों की बौछार की और गिरिराज गोवर्धन की जयकार लगाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। जब श्री गिरिराज जी प्रकट हुए, कभी ये गिरिराज पर्वत वृंदावन में आए कैसे? अब वृंदावन में कैसे आए इनकी कथा आती है। बोले एक समय पुलस्त नाम के एक ऋषि थे, बड़े पराक्रमी राजा। उनने भ्रमण करते करते कभी उन्होंने गिरिराज को पास में पहुंचे। जब पहुंचे इनकी पिता माता जी को बोले आपका आपका बेटे को मैं ले जाना चाहता हूँ। बोले कहाँ? बोले काशी, क्योंकि काशी में हम तो रहते हैं, वहां पर कोई सरोवर नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई झरना नहीं, कोई फल मूल नहीं, लेकिन ये गिरिराज गोवर्धन बड़े सुंदर है, फल फूल से ये भरा हुआ है। अगर आपका घर में कोई आए बोले तुम्हारी बेटे को दे, एक बेटा हो बोले आपके बेटे को हम ले जाना चाहते हैं, आप बेटे को दे दोगे थोड़ी? बोले ये कहीं से ऋषि कहते मेरे बेटे को ही ले लेने के लिए? बोले भैया मेरे बेटे को ही पूछ लो जाएगा कि नहीं जाएगा। तब उन्होंने गिरिराज को बोले गिरिराज हमारे साथ में चलना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले काशी। बोले ये बाबा हमें कहाँ काशी फांसी देने ले जा रहे हैं, मैं तो ठाकुर को सेवा के लिए आया हूँ गोलोक वृंदावन से, मेरे को काशी कहाँ ले जा रहे हैं? तब उन्होंने अगर मना कर दिया, सोचे ऋषि अभिशाप नहीं दे दे। बोले देखो मैं चलूंगा, लेकिन दो शर्तों के ऊपर चलूंगा। बोले क्या? बोलो। बोले पहला शर्त है मैं चल करके नहीं, मेरे को उठा करके ले जाना पड़ेगा। बोले दूसरी शर्त अगर कहीं बीच में मेरे को रख लिया ना, पर वहां से मैं उठने वाले नहीं, अगर कोई अपवित्र हो गए तो मेरे को छू नहीं सकते। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने एक हाथ से उन्होंने पूरा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। और पुलस्त ऋषि लेकर के आ रहे थे अभी जहां वृंदावन धाम, जब वहीं पर पहुंचे, इतने में श्री गिरिराज जी ठाकुर जी से प्रार्थना किया बांके बिहारी से। बोले ठाकुर जी मैं तो आपकी चरण की सेवा के लिए मैंने गोलोक वृंदावन से आया हूँ, ये कहाँ मेरे काशी ले जा रहे हैं? काशी में कौन कौन है? बोले वहां पर भगवान को सब निराकार मानने वाले हैं, वो सब निराकार ही सबके सब ये, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते वो बड़ा सूखा भूमि है, क्योंकि जो भगवान को जो रूप को नहीं माने, गुण को नहीं, लीला नहीं, निराकार निराकार, तो उनका क्या रस थोड़ी? रस तो ब्रजभूमि ठाकुर राम कृष्ण में रस है, जो निराकार मानते थोड़ी रस है। बोले ये कहाँ मेरे को ले जा रहे हैं? ये कहाँ ब्रजभूमि जहाँ ठाकुर स्वयं राधा कृष्ण लीला करेंगे, आ करके कितने सुंदर सुंदर रास करेंगे ठाकुर जी, मक्खन चोरी करेंगे, मैं ये लीला को आस्वादन करने के लिए गोलोक वृंदावन से आया, ये कहाँ निराकार को बाद में ले जा रहे हैं? ठाकुर जी मेरे को यहीं पर रख लो। ठाकुर जी को जो प्रार्थना किया ना, इतने में उनको इतने तेजी से लघु संख्या लगी, वो रोक नहीं सके, भूल गए उन्होंने जो प्रतिज्ञा करके लाए थे और गिरिराज को वहीं पर रख दिया। अभी जहां पर गिरिराज है, जब उन्होंने गए बाथरूम के लिए गए ना लघु संख्या के लिए, लघु संख्या खत्म ही नहीं हो, ठाकुर का ऐसे माया है घंटे तक लघु संख्या खत्म ही नहीं हो। फिर जब उठाने के लिए आए और गिरिराज टस से मस नहीं हो। बोले गिरिराज उठो। बोले आपने क्या प्रतिज्ञा की थी? बीच में अगर कहीं उतार लोगे, अगर आप अपवित्र हो जाओगे, मेरे को उठाओगे नहीं, मैंने बोला था ना, अब घंटे तक बैठे यहाँ पर लघु संख्या में, मेरे को हाथ से उतार दिया, मैं और नहीं जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे तो मैं अभिशाप देता हूँ,
तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। अब तुम रोज रोज एक तिल तुम खाए होते जाओगे। बोले तो यहाँ पर मैं इसलिए रहना चाहता हूँ ठाकुर जी की सेवा के लिए। अगर ठाकुर जी आने से पहले अगर मैं खत्म हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, पर ठाकुर की सेवा कैसे करूंगा। अब इतना आशीर्वाद करो जब तक ठाकुर नहीं आते तब तक पूर्ण रहो, उसको बाद में अभिशाप लागू हो। बोले तथास्तु बोल दिए। इसलिए कभी अगर गोवर्धन जाओगे आप देखोगे जो गिरिराज है ना वो सब टुकड़े टुकड़े आप देखो गिरिराज है, और धीरे धीरे ये गिरिराज धीरे धीरे नीचे नीचे गिरिराज जा रहे हैं। देखो जब घोर कलयुग आएगा ना ये गिरिराज भी नहीं रहेंगे, ये यमुना पटराने भी नहीं रहेगी, गंगा नदी भी नहीं रह जाएगी, सारी नदियां सूख जाएगी और मार मार काट काट शुरू हो जाएगी। इसलिए क्या करो सब ध्यान से सुनो, इसलिए ये कलयुग है, धीरे धीरे कली का जो प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए क्या करो जितने जल्दी भगवान की भजन करो और संसार से चले जाओ ठाकुर के पास में, नहीं तो बड़े दुख कष्ट उठाना पड़ेगा। और 84 लाख जन्म के बाद में जीवन मिला, फिर ये जीवन ठाकुर देंगे कि नहीं दे कोई पता नहीं, इसलिए ये जीवन रहते रहते ठाकुर का भजन करके चली जानी चाहिए। इसलिए अभी उन्होंने अभिशाप दे दिए। इतने ये एक कथा है, ये गिरिराज कैसा है। दूसरी कथा सुन, जिस समय भगवान लंका विजय कर रहे थे और समुद्र ने कहा आपके पास में दो बंदर है, एक नल और एक नील है, इनको ऋषि की अभिशाप है वो जिस चीज को स्पर्श करके पानी में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं वो तैरेगा, अब पत्थर लाओ और ये दोनों को स्पर्श करा दो और हनुमान जी इसको ऊपर श्री राम का नाम को लिख ले और लिख करके छोड़ेगा ना वो पत्थर कभी डूबेगा नहीं है, वो पत्थर नहीं डूबेगी। इसलिए उन्होंने सेतु बंध को बांध रहे थे, भगवान राम ने आदेश दिया बड़े से बड़े कहीं पत्थर लाओ, जल्दी से जल्दी सेतु बंध बंध जाए और माता सीता की उद्धार हो जाए। हनुमान जी ढूंढ रहे थे भैया कहीं बड़े से बड़े पत्थर मिले, मैया सीता की उद्धार हो जाए। जब उन्होंने पहुंचे ये पर्वत को पास में गिरिराज गोवर्धन को देखा, गोवर्धन जो परिक्रमा की आपको पता होगा 5-7 घंटा लग जाती है केवल परिक्रमा लगाने के लिए, इतने बड़े पर्वत है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम बोल करके पूरा के पूरा गिरिराज को उठा लिया और उठा करके उड़ते हुए हनुमान जी जा रहे थे। लेकिन जब जा रहे थे अभी जहां पर ये गिरिराज गोवर्धन जब वहीं पर आए, इतने में सेतु बंध खत्म हो गया। इतने में भगवान राम बोले देखो एक काम करो, बंदर को बोल दो और पत्थर लाने का कोई जरूरत नहीं, सेतु बंध पूरी हो गई। इतने में हनुमान जी गिरिराज गोवर्धन को ही रख लिया। जब रख लिए इतने में गिरिराज गोवर्धन रोने लग गए, बोले हनुमान जी हमें कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, इतने दूर से लाए, अगर और थोड़ी दूर ले जाते तो क्या होता, प्रभु राम चल करके चल जाते हैं, लंका को विजय करते, ठाकुर का चरण स्पर्श मिलता, माँ सीता की सेवा में लग जाता, भक्तों का चरण धूल मिलता, कहाँ रखे हो। इतने में हनुमान जी बोले कोई चिंता मत करो, यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आएंगे, अभी तो थोड़ी सेवा तुमको मिलता। उसी समय में जब इंद्र ने बारिश करेगा, कृष्ण स्वयं बाम हाथ और कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में श्री गिरिराज को उठाएंगे, बोले गिरिराज महाराज की जय। में आनंद नहीं आ रहे, कोई तो जय कोई है बोल रहे हो, पीछे पीछे जो माताएं बैठी हुई तो चुपचाप बैठी है, और एक बार जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की। इतने में जब उन्होंने बोले कोई चिंता मत करो, इसलिए कृष्ण गैया चराएंगे, रास रचाएंगे, सुंदर सुंदर पानी को ठाकुर जी पान करेंगे, वहां से सहेद कन्ने सब कुछ ठाकुर जी बड़ी सेवा करेंगे तुम्हारी, ठाकुर को सेवा मिलेगा। इसलिए ये एक कथा है श्री गिरिराज गोवर्धन की कथा, गिरिराज कैसे यहाँ पर आए हैं। बोले भैया ये गिरिराज है कौन, ये गिरिराज जी कोई साधारण वस्तु नहीं है, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या की राधा कृष्ण की, जब राधा कृष्ण संतुष्ट हुए बोले वर्मा आगे, बोले ठाकुर जी चरण की सेवा दो। बोले बताओ किस रूप में, बोले ब्रज में अगर हम पहाड़ रूप में जन्म ले ले आप हमारी सर के ऊपर में अगर लीला करे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान तथास्तु बोले। देखो कि वृंदावन धाम की कितने महिमा, स्वयं ब्रह्मा जी
वहां जो ब्रह्माचल पर्वत जो बरसाना नाम सुनेंगे वो स्वयं ब्रह्मा जी है। नंदगांव कौन है? वो नंदीश्वर महादेव है। कभी अगर सौभाग्य होगा जाओगे तो ऊपर देखोगे स्वयं शंकर के ऊपर बैठे हुए, वो शंकर ही पर्वत बनकर प्रकट होंगे। मतलब भगवान स्वयं विष्णु ये गिरिराज गोवर्धन रूप में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते ब्रज में ये तीन पर्वत रूप में ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के श्री बांके बिहारी की सेवा कर रहे। इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की। इसलिए गिरिराज और कौन है? बोले ये कृष्ण स्वयं ही, ये गिरिराज गोवर्धन रूप में कृष्ण स्वयं गिरिराज रूप में प्रकट हुए। इसलिए ये गिरिराज कोई पत्थर नहीं। अगर कभी सौभाग्य होगा जाओगे एक चीज देख लेना पर करके, आप कोई भी शिला आप वहां से उठाओगे छोटी छोटी कोई शिला देखोगे ऐसे लगेगा जैसे कोई मानो ठाकुर को घी दूध शहद से स्नान कराया, बड़े मुलायम लगे, खसखस नहीं लगेगी। आप कोई भी एक शिला उठा करके देखना कहीं ना किसी रूप में कृष्ण के रूप मिलेगा। कहीं लड्डू गोपाल की, कहीं राम की, कहीं हनुमान की, कहीं गणेश की, अलग अलग रूप मिलेगा आपको उसमें। कहीं नरसिंह भगवान के रूप मिलेगा गिरिराज गोवर्धन की शिला में। इसलिए जो गिरिराज शिला है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में उन्होंने प्रकट हुई। वही रख लो, वहीं पर रख लो। ओ कहाँ गया हमारे ये मनोज प्रभु? कहाँ गई मनोज जी? मधुकंठ जल्दी आ जाओ। ये जो तुम एक काम करो, सब में तुलसी पता देकर ना भोग लगा, जाओ सब निकालो तुलसी पता दो और सब भोग लगा। इसलिए बोले गिरिराज महाराज की जय। बोले इनकी अभी कथा, अभी एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। इतने में कृष्ण आकर के बोले मामा आज ये रात भर ये लड्डू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रहे हो? क्या कल मेरे जन्मतिथि है? बोले नहीं लाला। फिर बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। बोले रात भर फिर क्यों बना रहे? बोले जा बाबा के पास में चले जा। कान्हा बाबा के पास में गए, पिताजी गोद में बैठी गए, दाढ़ी पकड़ लिए। बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर ये भगवान क्यों बना रही है? क्या कल मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं। बोले फिर किस लिए? बोले बेटा कल हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे। बोले बाबा ये इंद्र कौन है? बोले बेटा ये स्वर्ग का राजा है और इनकी अधीन में रहता है परजन में। हम लोग सबके सब ग्वाला, हमारा मूल धन ही गैया। देखो पहले क्या होता था जानते हो? जिसको पास में जितने गैया होते थे ना उसको उतना, इसलिए गो धन मानी जाती है। इसलिए नंद बाबा के पास में 9 लाख गैया थी और बरसाना में वृषभानंद महाराज का 11 लाख गैया थी। जिसको पास में जितने गो धन हो उसको उतना ही श्रेष्ठ मानती थी। इसलिए पहले सबके सब घर में गैया पालते थे, कुत्ते नहीं पालते थे। अब ये कलयुग होने का नाते अभी कोई गैया नहीं पालते हैं, अभी घर घर में कुत्ते पालना शुरू कर दिया। नहीं, आप शास्त्र पढ़ करके देखो, कोई चीज अगर ठाकुर के लिए बनता है कुत्ता देख लिया तो ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी। अगर कुत्ते को कोई स्पर्श कर दिया तो आप ठाकुर का कोई सेवा नहीं कर सकते हो। इतने अपवित्र मान जाती कुत्तों को, हैं कुत्ते को। इसलिए गोधन होता था पहले, हैं गोधन होती थी। इसलिए बोले हम लोग सबके सब ग्वाला है, गैया हमारी मूल धन है और इंद्र जब बारिश करता है और उसमें होता है घास उगता है, गैया घास खाते हैं दूध देते हैं। और पहले क्या होता था जैसे आप लोग अभी भी घर घर में बस रोटी गुड़ से अचार से और एक गिलास दूध पी लिया, मठा पी लिया, पहले इससे ही सब संसार में काम चलता था। कोई इतना साग सब्जी कोई जरूरत नहीं पड़ता था क्योंकि गो दूध में सब कुछ उसमें प्रोटीन है। बोले गैया दूध ही सब कुछ है और दूध से मक्खन मिठाई जो कुछ दूध से बनता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण क्या चाह रहा था? बोले ये जो गिरिराज गोवर्धन है ये ब्रज की प्रकट देवता, ये कोई साधारण नहीं, ये गोलोक वृंदावन से ही गिरिराज आए। ये समस्त इच्छा को श्री गिरिराज पूजा करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए बोले पिताजी आप कब से इंद्र पूजा करते हो? बोले जब से हम होश आया है। बोले अभी तक जो भोजन करा तो कभी देखा ही खाते हुए? बोले नहीं लाला हमने देखा ही नहीं। बोले पिताजी हमारा ब्रज का जो देवता है ना पिताजी, ये जो गिरिराज है यही ब्रज का देवता है। ये जो बारिश होती है वो आकर के ये पर्वत में टकराती है,
टकरा करके ये बारिश होती है और इसमें बड़ा हरा भरा है। देखना मेघ कहाँ पर होता है, जहाँ हरा भरा होता है ना वहीं पर ये मेघ को आकर्षण करता है। बोले पिताजी ये गिरिराज की गोवर्धन की कृपा से ही बारिश होती है, दूध गैया घास गिरिराज से खाते हैं, दूध देते हैं, इसमें झरना है पानी को हम पीते हैं, इसमें तालाब हम स्नान करते हैं, उसमें मधुमक्खी की छत्ता शहद भी यही नहीं मिलता है। और जैसे आप लोग गन्ने का खेती इधर है ना, बोले गन्ने का खेती तो गिरिराज में होता है, चीनी भी हमें यहीं से मिलती है, इसलिए पिताजी सबके सब तो गिरिराज से हम मिलता है, आप कहाँ इंद्र की पूजा करते हो। हमारी जो देवता है ना ये गिरिराज हमारी देवता, ये गैया हमारी देवता, ये ब्राह्मण हमारी देवता। पिताजी कितने साल से इंद्र पूजा करते हो, खाते हुए देखा बोले नहीं। बोले पिताजी अगर ये गिरिराज की पूजा करोगे, ये कृष्ण कह रहे हैं, अगर गिरिराज की पूजा करोगे आप देखना साक्षात गिरिराज जी प्रकट होकर दर्शन देंगे, सब कुछ ग्रहण करेंगे, आप उससे जो कुछ मांगोगे धन दौलत पुत्र परिवार सुख शांति यही गिरिराज ही प्रदान करेंगे। नंद बाबा बोले लाला तुम कहते हो देवता दर्शन मिलेगा, बोले हाँ, बोले इन्हीं आंखों से दर्शन कर, बोले हाँ पिताजी इन्हीं आंखों से डायरेक्ट आप दर्शन करोगे साक्षात देवता को। बोले भैया हमने कभी हैं कभी तो हमने देखा ही नहीं देवता, फिर तक कल हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय। जितने ब्रजवासी थे ना, बोले देखो कल जो एक किलो बेसन का कोई लड्डू बना रहे थे, बोले नहीं कल गिरिराज के ताई 2 किलो लड्डू बनाएंगे, जो 2 किलो सूजी की हलवा बना रहे थे, बोले नहीं हम 5 किलो सूजी की हलवा बनवाएंगे। इसलिए जो जितना जितना बना रहे थे ना सब डबल डबल बनाए। देखो 4 तरह का तो चावल बनाए, पता नहीं आप कितने तरह का चावल लाए, एक फीकी चावल, एक मीठी चावल, एक मटर पनीर डाल करके और एक घी डाल करके हैं, बड़े सुंदर 4 तरह का तो चावल बनाए हैं मीठा डाल करके। बोले जो दाल है ना 5-6 तरह का तो दाल बनाए, उड़द का दाल यहाँ पर सबसे प्यारा उड़द का दाल है ना, उड़द का दाल बनाए, फिर वहाँ मूंग की दाल अरहर की दाल मटर की दाल छोले की दाल बनाए, और जो चूरमा है ना दाल बाटी चूरमा, चूरमा तो 2 तरह के बनवाए, एक रोना एक हंसना। चूरमा खाएगी नहीं आप लोगों ने, कौन कौन चूरमा खाए हो, खाए हो, इसमें कहते एक रोना एक है हंसना। रोना किसको कहते हैं जिसमें घी टपकता है, हंसना किसको कहते रखते जो खिल जाए। कढ़ी 2 तरह के बनाए, कितने तरह का कढ़ी बनाए आप लोग, कढ़ी लाए हो, कढ़ी 2 तरह का बनाए, कहते एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। बोले सुहागिनी कढ़ी किसको कहते हैं जिसमें पकौड़ा डाल कर बनाते हैं, और राड कढ़ी किसको कहते हैं बिना पकौड़ा के जो कढ़ी है। इतने ले करके खाना आए, जानते उसका नाम क्या पड़ गया, अन्नकूट। कूट मतलब होता है पर्वत, वहां रोटी का पर्वत, मालपुआ की पर्वत, पूरी की पर्वत, वहां पर रसगुल्ला की पर्वत, जो जो लाए। अब ब्रज में 365 गांव, अभी भी 365 गांव ब्रज में ही, तरली बरली सही उच्चा गांव है, अभी भी नंदगांव बरसाना अभी भी 365 गांव मिलेगा। इतने भोजन लेकर के आए ना, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया है, गिरिराज गोवर्धन बन गया भोजन भजन में। इतने में भगवान कृष्ण स्वयं पंचामृत के द्वारा उन्होंने पुरुष सुक्त मंत्र पढ़ करके गिरिराज को उन्होंने अभिषेक करवाए। अभिषेक करके उन्होंने ठाकुर जी को पानी जब डाले ना, एक लोटे में पानी था गंगा पानी, पानी डाल तो उन्होंने कैसे नहीं भीगा, बोले और पानी ले, बोले कहाँ के नदी के नहीं तालाब के, बोले नहीं गिरिराज केवल केवल गिरिराज गंगा पानी में स्नान करते हैं। बोले भैया हमारी इंद्र इंद्र अच्छे ही देवता थे, वो किसी पानी में नहा दो तेरे ऐसे गिरिराज गंगा पानी के बगैर नहाएंगे नहीं। बोले कन्हैया तभी तुम्हारी गिरिराज को गिरिराज मानेंगे अगर ये गिरिराज गंगा को प्रकट अगर कर दिया। बोले चिंता क्यों कर, तो आंख बंद करो सबके सब। जब आंख बंद किया ना, इतने में कृष्ण उन्होंने मानसी गंगा को उन्होंने स्मरण किया, स्मरण किया तो स्वयं कृष्ण की मन से ही वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गया। बोले श्री गंगा देवी की जय। खूब गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने स्नान कराया, जितने वहां पर सब प्रसाद लाए थे सबके तुलसी पत्ता डाल दी, पत्ता डाल करके कृष्ण
उनका आसन पाद्य और आचमन देकर के जब गिरिराज को उन्होंने पूजा की बुलाया, गिरिराज सचमुच से गिरिराज जी विशाल रूप लेकर गिरिराज प्रकट हुए और बोले देखो ब्रजवासियों मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ। देखो ठाकुर इस बात को स्वयं बोले, बोले आज का दिन ये गिरिराज की अन्नकूट पूजा में एक अन्न का दाना अगर किसी ने भोग लगाया, ये गिरिराज स्वयं कह रहे हैं, जो एक अन्न की दाना मेरी सेवा में भी किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज स्वयं कहते हैं। अगर आप कभी गिरिराज कभी जाओगे देखोगे 12 महीना देश विदेश से लोग आकर के गिरिराज को रोज रोज अन्नकूट लगता, क्यों? गिरिराज सबकी इच्छा गिरिराज जी पूरी करते हैं, हैं? तब उन्होंने स्वयं हाथ बढ़ा बढ़ा कर गिरिराज जी सब कुछ ग्रहण कर रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिए, बोले आनो रे और ले आओ और ले आओ। ब्रजवासी बोले कहीं गिरिराज जी हम गरीब ब्रजवासी आप इतने भी खुश हो जाओ, तब उन्हें तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए ना गिरिराज ने सब कुछ खा लिए। कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल, वो ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होते हैं ना थोड़ी खाने का थोड़ी उनका शौक रहता है, बोले कन्हैया तेरे ऐसे भूखे ठाकुर सबके सब खा लिया एक किनका भी छोड़ा नहीं, हमारे जो इंद्र थे ना बड़े अच्छे थे हैं, क्योंकि भोग तो लगाते थे लेकिन कुछ खाता नहीं था, जैसे को तैसे छोड़ देते थे, कभी कभी 15 दिन तक तो सूखा प्रसाद खाते थे हम मिठाई, लेकिन तेरे ऐसे ठाकुर एक किनका भी नहीं रखे सब खा लिए। कृष्ण बोले हमारे ठाकुर को ऐसे मत समझे, आंख बंद करो, आंख बंद किए। इतने में गिरिराज ने किया कि ऐसे हाथ घुमा दी, जब हाथ घुमा दिया ना जो 1 किलो का रसगुल्ला लाए थे हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का लाए थे हलवा हो गया 5 किलो हो गया, जो जितना लाए थे डबल डबल हो गया। ब्रजवासी तरस उठे, बोले भैया आप तो ठग गए, हमको तो पता नहीं था डबल डबल बन जाएगा, थोड़ा और ज्यादा बना कर ले आते, क्यों सबके सब डबल डबल हो गया, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का जो भोग लगाओगे ना कभी कमी नहीं होता है, भगवान के प्रसाद में कमी नहीं पड़ता है, ठाकुर जी सब भर देते हैं ठाकुर जी। इतने में कृष्ण वाले काम करो, सबके सब चकाचक भोजन करो, चलो खाते पीते, अरे कीर्तन करते करते गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे, स्वयं ठाकुर जी गिरिराज परिक्रमा लगाए, इसलिए गिरिराज की इतने महिमा। स्वयं बांके बिहारी, दुनिया बांके बिहारी को पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा किए? गिरिराज की। भगवान स्वयं गिरिराज की परिक्रमा लिए, कैसे परिक्रमा कर रहे थे? सामने समस्त ब्रजवासी ब्राह्मण लोग चल रहे थे, संत लोग, पीछे पीछे गैया भी सब चल रहे थे, उसको पीछे पुरुष और उसको पीछे माताएं, ये सब के सब मिल करके श्री गिरिराज की परिक्रमा जब लगाए, जब थोड़ी दूर गए ना राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी, कृष्ण बीच में चल रहे थे। इतने में राधा रानी की मन में इच्छा हुई, अगर कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, अगर मेरे मन को भावना अगर कृष्ण समझते हैं, मैं चाहता हूँ कृष्ण थोड़ी सी मेरे को दर्शन भी दे। अभी कृष्ण तो समझ गए, बोले राधा रानी तो पीछे में बीच में दर्शन कैसे दो। इतने में कृष्ण ने किया क्या, जो गैया चराने वाली जो लकुटी थी ना, लकुटी को उन्होंने जोर से फेंक करके जो उसको पकड़ने के लिए गए, राधा रानी का 2 आंख और कृष्ण की 2 आंख मिलकर के 1 हो गया, और कृष्ण का जो लकुटी है ना वो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। कृष्ण ने क्या किया, लकुटी को जो ऊपर की, कृष्ण का जो प्रतिबिंब वो लकुटी में, कृष्ण का प्रतिबिंब पड़ा, राधा रानी के प्रतिबिंब उसमें पड़े, कृष्ण दोनों को उसी में ही दर्शन किया। फिर जब थोड़ी दूर गए फिर राधा रानी की इच्छा हुई, अगर कृष्ण मेरे मन की भावना समझते हैं मेरे को थोड़ा स्पर्श भी करें। कृष्ण सोचे कैसे स्पर्श करूं, राधा रानी तो पीछे। कृष्ण ने किया क्या है कि बछड़े को मुंह उन्होंने पीछे करा दिया और उसका पूछ को ना जोर से ऐंठ दिया, एक बछड़ा तो फुदक तो हुए पीछे चला गया। कृष्ण वो बछड़े को निमित्त बना करके भागते हुए गए, राधा रानी को स्पर्श कर लिया, बड़े खुश होकर के परिक्रमा सबके सब श्री भगवान स्वयं श्री गिरिराज की परिक्रमा लगाई। अभी प्रभु जी आपको सुंदर गिरिराज की परिक्रमा की सुंदर कथा सुना, ये भजन गवाएंगे, सबके सब नाचना, सब तैयारी हो गए प्रभु जी? बोले वो तैयारी हो कि नहीं, हाँ तो तैयारी हो गए तो उनको सबके सब बुला देना। देखो इधर सुना, जो कल है, हाँ ध्यान से सुना इधर, जो कल है ये कथा का विश्राम का दिन, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कितना हरि अनंत हरि कथा अनंत है, हैं कथा भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती है, ये विश्राम होता है भगवान की कथा, इसलिए कल है भगवान कृष्ण की शादी है,
रुक्मिणी कृष्ण की कल शादी होने वाली, आप लोग जितने माताएं सब आई हो, जैसे शादी में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हो, कल कोशिश करना लाल रंग के साड़ी चुंदरी एकदम बढ़िया बनकर के आना, क्योंकि कल सबके सब कृष्ण की दुल्हनी बनकर के आना, ठीक है ना, कृष्ण की दुल्हनी बनकर के आना सब सज धज करके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके। और जो भाई लोग हैं आप क्या बनकर के आओ, आप लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी का शादी होने वाले है, ठाकुर जी की कल आप लोग बराती बन करके आना, प्रभु जी कहते कल सबके सब आप बराती बन करके आना। हाँ इधर देखो, कल सुदामा जी की चरित्र भी है, सुदामा जी ने ठाकुर को दो मुट्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए, इसलिए कल आप लोग कोशिश करना थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आने के लिए, क्या लाओगे क्या लाओगे, थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आना, और कथा के बाद में मैं यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा मैं चावल दूंगा, इसको आप ले लेना मंदिर में रखना, रखने से घर में लक्ष्मी टिकी रहती है, लक्ष्मी घर से जाती नहीं, ठीक है। और कल जो रुक्मिणी की शादी होगी, अगर आप कोई साड़ी हो तो अच्छे साड़ी ला सकते हो, अगर कोई बढ़िया साड़ी लाओगे ना, फिर हम वृंदावन में राधा रानी को वो साड़ी पहनाएंगे, अगर आप साड़ी ला सकते हो, ठीक है। कल धूमधाम से कथा को हम विश्राम देंगे, और कल एकादशी व्रत है, सबके सब जरूर एकादशी व्रत रखना, ठीक है। और माता जी आ जाओ, कृष्ण कृष्ण किसको बनाएगा, नहीं कृष्ण प्रभु जी बनाया, कहा कृष्ण ले आओ सबको, भैया कन्हैया को ले आओ, कन्हैया कहाँ है, अरे गोपियों को ले आओ, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री राधा रानी की। हाँ प्रभु जी आप आ जाओ, टोपी पहन करके आ जाओ, माता जी इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, और तुम तुम्हारी चुंदरी कहाँ है, खड़े हो जा, तुम चुंदरी बड़ी कर नहीं लाए, कोई लाल रंग की चुंदरी, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। प्रभु जी आ जाओ इधर आ जाओ, आपका टोपी का है, ए बच्चों पीछे हो जाओ, कोई कपड़े से कोई टोपी निकला सकते, आ जाओ बच्चे सभी पीछे हो जाओ, माता जी को बंसरी तो बजाओ, सर में ढक लो, आ जाओ इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ पीछे, ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से आकर पूजन करते रहेंगे, बोलो श्री नारायण जी महाराज जी पास आओ, मैं तो गोवर्धन को पीछे पीछे हो जाओ।
नाचे वही आगे आए और जो नहीं नाचे वो पीछे जाए, जो नाचे वही आगे आए।